أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बच्चों आपको आवाज आ रही है, आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा प्लीज। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले 2 हफ्तों के बाद आज फिर हम आए दूसरे हफ्ते में, तो लेक्चर का वक्त जो कि स्टार्ट हो चुका है। हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ कुरान पाक में, कुरानियात में। पहले हमने कुरान पाक की तारीख पढ़ी है, उसका असबाब व नज़ूल पढ़ा है, उसका इजाज़ पढ़ा है, तो उम्मीद है आप सबको वो चीज़ें कुछ याद होंगी। आज हम करेंगे कुरानियात को स्टार्ट करेंगे सूरह बकरा की, जो आपके कोर्स में आयात हैं वो 284 से 286 तक आयात, आखिरी जो 3 आयात हैं 82, 84, 85, 86, सूरह बकरा की सूरत की आखिरी 3 आयात, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें से अमूमन कोई ना कोई सूरत आयत जो है वो आ जाती है कुरान पाक की। पेपर में एक मैंने पीपीटी बनाई है, तो बनाई तो बहुत सारी हुई हैं मैंने पीपीटी, और थी भी, और बदकिस्मती से ट्रेजेडी हुई है, मेरा जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क थी, इवन के एसएसडी हार्ड डिस्क थी, जो खराब ही नहीं होती, लेकिन किस्मत देखें तो 2-1 हफ्ता पहले खराब हो गई एकदम से, झटका कोई लगा, और मेरा सारा डेटा जो था उसका वो अब शो नहीं होता। कोशिश की है मैंने उसको रिकवर करने की, लेकिन जैसे आज लॉकडाउन की वजह से कुछ तो शॉप्स खुली होती हैं, बहुत कम, तो नहीं हो सका डेटा। अब लॉकडाउन के बाद देखेंगे मार्केट में अगर कोई हो सका, तब दुआ कीजिएगा बच्चों। रमजान का महीना, मेरा पीएचडी का थीसिस उसके अंदर है, मैंने सेव भी कहीं नहीं किया हुआ, और बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर सेव है, तो वो मिल जाए मुझे, डेटा रिकवर हो जाए। ठीक है, दुआ करनी है। अच्छा, अल्लाह ताला किसी आजमाइश में ना डाले, मेरा बहुत ज्यादा मेहनत उसके अंदर है, मेरी पीएचडी की बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। चले, ये बाहर रहने की वजह से मैंने एक दिन, परसों की बात है, अफतारी करनी पड़ी मुझे मजबूरन बाहर से, तो वो ऐसे खट्टी वो दही भले इतने खट्टे वो खाए, तो मेरा गला जो है ना वो अब कुछ आज बेहतर है, लेकिन बार बार आपको वो खंगारने की मेरी आवाज़ आती रहेगी, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ शुरू में। चले जी स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस्लामिक स्टडीज का जो लेक्चर है हमारा आज का, आज हम नई चीज़ एक स्टार्ट करेंगे, उसका तारुफ मैं थोड़ा सा करवा दूँ। कुरान पाक की कुछ सूरत, कुछ आयात आपको सिलेबस का हिस्सा बनाई गई है। सवाल आता है पेपर के अंदर, UHS में 20 नंबर का 3 आयात आती हैं, उसमें से आपने 2 करनी होती हैं, उनका तर्जमा करना होता है, बार दफा तर्जमा भी करना होता है, तशरीह भी लिखी होती है करनी आयात की, आदीस का तर्जमा तशरीह दोनों ही होते हैं। कुछ मैंने UHS के पास पेपर देखे, कुछ में तो तर्जमा लिखा होता है किसका तर्जमा करें, या फिर लिखा तो तर्जमा और तशरीह दोनों ही करें। हम जिस तरह से कुरान को पढ़ेंगे यहाँ पे समझेंगे, वो 2 तरीके होंगे, और दोनों आपके लिए इतने, अगर आप इसको वक्त आप दे रहे हैं और थोड़ी सी सेंस भी आप इसको दें साथ साथ, जो जो मैं बात बताता जाऊं, जो फार्मूला बताता जाऊं, उसको आप लेक्चर में भी खुद से दोहराते जाएं और लेक्चर के बाद भी आप उसको दोहराते जाएंगे,
दोहराएंगे बार बार, वो फार्मूले आपको पक्के याद हो जाएंगे। फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे अन करीब आपको कुरान पाक का तर्जमा करना काफी हद तक आ जाएगा। चंद एक असूल हम एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात हम करेंगे इनके अंदर जो मज़मून छुपे होते हैं आयात के अंदर, जिनको हम तशरीह में लेकर आते हैं, वो मज़मून कौन कौन से हैं, उसके हम बनाएंगे हेडिंग्स। फिर जब हेडिंग्स बनाएंगे फिर उनकी सब हेडिंग्स भी बनेगी किसी किसी की, ये हमारी तशरीह बन जाएगी इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ ये तर्जमा करते हुए इंशाल्लाह अच्छी कुरान पाक की समझ आ जाएगी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह। आपने इस तरह से पहले से कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी समझा होगा कुरान पाक को। बहुत ही आसान तरीके से कुरान जो है ना, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान पाक के अंदर, ये ऐसी किताब है जिसको मैंने बहुत ही आसान करके नाजिल किया है, बहुत ही आसान करके। बच्चों आवाज को क्या हो गया, अब कटनी शुरू होगी, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आपको आवाज नहीं आ रही, अब कुछ को आ रही आवाज तो अच्छा जी। कुरान पाक की आयात को समझना, को तर्जमा करना, बुनियादी मकसद कुरान पाक को नाजर करने का यही है अल्लाह ताला का। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने तुम ही में से एक शख्स को चुना और उसके उससे उस पर वही नाजल की, उस पर कुरान उतारा, कोई फरिश्ता लेकर तुम्हारे सामने नहीं आ गया। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, थोड़ा सा उसका भी ओवर थोड़ा सा रिव्यू कर ले हम लास्ट वाले लेक्चर का भी, इजाज़े कुरान के हवाले से कि एक ऐसा इजाज था कि एक ऐसे शख्स पर से वो बातें सरजद हुई, वो बातें की एक ऐसे शख्स ने कि जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी मदरसा में नहीं गया, उम्मी कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ एक शख्स था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ने वो बातें की, वो उनके शफात किए, वो तरतीब वो सलूक रखा कुरान पाक के जो आयात अल्लाह ताला ने आपके जरिए से लोगों तक पहुंचाई कि जो ना असलूब ना उस तरह के अल्फाज अरब की तारीख में मिलते हैं, बल्कि जो अरब के उस दौर के अरब में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े मुफक्किर मुदब्बर लोग उस वक्त थे, और शायरी में आपको पता है कि बहुत बहुत पाया के और जहानत और फतानत में लोग बड़े पाया के लोग बैठे हुए थे अपने नसब के, उनको अपने घोड़ों के नसब 50-50 पुश्तों तक उनको याद थे, अपने घोड़ों के नसब तक याद थे, इतनी उनकी जहानत थी। तो ऐसे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत नाज़िल होती है, आप उनकी तिलावत उनके सामने करते, तो वो भी ऐसा मतलब मौजज़ा देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसी बात है, ये कैसा इलम है, हम इस तक रसाई कर ही नहीं सके। तो एक तरफ तो ये बात हो गई कि हैरानियत हो गई उनको, दूसरी तरफ कुरान पाक को अल्लाह ताला ने इतना आसान करके नाजिल कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि जो भी समझना चाहे, चाहे उसका डायलेक्ट कुछ भी हो, हमारा डायलेक्ट उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, हम इंग्लिश भी बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, कुरान को नहीं समझते। हालांकि कुरान को अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, उस वक्त भी बहुत सारी जुबानें थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान को सबसे अरबी जुबान को आसान करार दिया है। जब अल्लाह ने कह दिया है तो इसका मतलब इसमें शक हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम कुरान को ऐसा पढ़ेंगे, हमें वाकई समझ आएगी कि ये इससे ज्यादा आसान और सस्ती लैंग्वेज है ही कोई नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा आसान सस्ती मैंने इस मामले में कहा है कि आसानियत के हवाले से समझने में, इससे ज्यादा आसान कोई और लैंग्वेज आपको नहीं नजर आएगी, इवन के उर्दू भी नहीं। ठीक है, आज से हम इस्लामियात को शुरू करते हैं। लेक्चर है इस्लामिक स्टडीज, सूरह बकरा आयात 284 से 286 तक। ये एक आपका लेक्चर आपका नहीं था सबक के मकासिद, अच्छा जी आज के जो सबक के मकासिद है, पहले वो आप लिख लें। हर चीज पर अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना, हर चीज पर
अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना, आप तौसीफ हुसैन ने क्वेश्चन किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर कहना ठीक है, अन पर कहना ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं। तो सही भाई, आप घर में FSC की है, फिर आप अब BSN का कोर्स कर रहे हैं, ऐसे ही है। आप अपने घर में देखें, आपके ताया होंगे, चचू होंगे, आपके दादा होंगे, अल्लाह ताला अगर उनको जिंदगी दी हुई है, बहुत सारे और नहीं तो बुजुर्ग होंगे आपकी फैमिली में, खानदान में, वो आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं होंगे। जो शऊर, जो इलम, जो आपने रस्मी तालीम हासिल की है स्कूल में, कॉलेजेस में, अभी भी कर रहे हैं, उस तरह की तालीम उन्होंने हासिल नहीं की होगी। हो सकता है वो कभी स्कूल भी ना गए हों, ठीक है, लेकिन उनकी जो बातें हैं हम सब ओबे करते हैं। वो जिस तरह से वो कहते हैं हमें वो मानना होता है, और वो हमसे अच्छी बातें कर लेते हैं एक्सपीरियंस के हवाले से, उनका तजुर्बा जिंदगी का और होता है। ये मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी है, ठीक है। हजूर सल्लम को अनपढ़ कहने का मकसद ये नहीं है कि हजूर सल्लम को आता कुछ नहीं, अनपढ़ उसको कहा जाता है कि जो स्कूल ना गया हो, जिसने रस्मी ज़ाहरी तालीम हासिल ना की हो किसी मकतब में बैठकर। ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और उस्ताद का जो रुतबा होता है वो शागिर्द से कम होता है, ज्यादा होता है। उस्ताद का जो रुतबा होता है वो शागिर्द से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम को यही नहीं कि हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, इससे पहले भी जितने भी अंबिया इकराम थे अल्लाह ताला ने उनको खुद तालीम फरमाई है, फरिश्ते के जरिए से खुद सामने आकर पर्दे से पीछे से, जिसको हम वही कहते हैं, ये सारे वही क्या है, ये तरीका तदरीस ही है, ये क्या है, ये तरीका तदरीस ही है, तदरीस है, पढ़ाने का तरीका ही है, जो वही का जो तरीका है। अनपढ़ का कहने का मकसद मतलब ये है कि दुनियावी तालीम हजूर सल्लम ने हासिल नहीं की थी किसी उस्ताद की निश्चित में बैठकर, रूबरू बैठकर उनसे सीखा नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमाई है। उम्मी अल्लाह ताला ने, ये भी अल्लाह ताला ने खुद ही हज़रत सल्लम ने खुद अपने लिए भी मुंतखब किया है लफ्ज उम्मी, के मैं एक उम्मी नबी हूँ, कि आपकी ज़ाहर की तरह, जिस तरह से मैंने मतलब लोगों के एतराज उस वक्त होते थे अरब के लोगों के सरदारों के, कि ये इसने किसी से ये यूनानी फलसफा पढ़ा है। आज भी बहुत सारे मुस्तशरिकीन हज़रत सल्लम पर इस तरह से बातें करते हैं कि ये जितनी भी बातें कुरान में है या हदीस में है, तो ये सारे हज़रत सल्लम जब शाम की तरफ सफर करते थे तजारत के लिए, तो वहां से उन्होंने ईसाइयों से कुछ सीखा, राहबों से सीखा है, तो वही बात यहाँ पे आके करनी शुरू कर दी कि ये इस्लाम में ये है। तो ऐसी बात अल्लाह ताला ने खुद फरमाया और हज़रत सल्लम ने खुद फरमाया कि मैं एक उम्मी नबी हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे पढ़ना आता। आप देखिएगा पहली हदीस आयत जब हज़रत सल्लम पर आती है, फरिश्ता हज़रत सल्लम की रूबरू आता है जिब्रील अलैहि सलाम, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से क्या जवाब देते हैं, मैं पढ़ना लिखा नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ा लिखा हुआ, सीधी सी बात है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लिया, भेजा और कहा कि पढ़िए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मैं नहीं पढ़ा लिखा, मुझे नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो तीसरी दफा जब उन्होंने किया तो हज़रत सल्लम के अंदर अल्लाह ताला ने वो जो शऊर था हज़रत सल्लम का वो उजागर किया, वो उसमें वो नूर डाल दिया, हज़रत सल्लम को सारी पहचान होगी। फिर आप उन्होंने कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है इकरा, तो हज़रत सल्लम ने आगे से पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक और बात है। तो अनपढ़ कहने का मतलब मेरा वो नहीं है कि जो हम ज़ाहरी एक दूसरे को कहते हैं जी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आज के सबक का जो मकसद है वो लिख लीजिएगा, देखिएगा, हर चीज
पर अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना, हर चीज पर अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना। आज जो आयात हमारे सामने आएंगी, उन आयात से जो हमने सबक निकाले हैं, उनके कुछ हेडिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज पर अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना। जी तस्वीर भाई जरूर कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपने जो क्लिप शेयर करना है। शख्सी एहतसाब का एहसास उजागर करना। शख्सी एहतसाब क्या होता है? एहतसाब करना, जैसे मुहतसिब इदारा है पाकिस्तान में भी नैब जिसको कहा जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है। तो शख्सी एहतसाब, इंसान का एहतसाब होना, हिसाब इंसान का, हर शख्स का हिसाब किताब होना है, उसका एहसास उजागर करना, ताकि वो किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, ताकि वो नेकियां ज्यादा से ज्यादा कर सके, ठीक है। तीसरा मकसद ये है ना, याद के जो अंदर पोशीदा मौजूआत हैं, वो उनमें से एक तीसरा मकसद ये है कि इखलाकी तालीमात पैदा करना। चौथी जो बात है, जो मकसद है इन आज के लेक्चर का, इन आयात के जरिए से वो जो आपको डिलीवर करना है, वो है इस्लामी अकायद और उनकी अहमियत वाजिया करना। इस्लामी अकायद क्या है, हमारा अकीदा क्या क्या है, और उनकी अहमियत क्या क्या है, ये आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, कोशिश कीजिएगा आइंदा से इस्लामियात का या कुरानियात का हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम अहबाब जो हैं, बच्चे जो हैं, वो जब भी बैठे लेक्चर में इस्लामियात के कुरान के हवाले से, वो बावजू होके बैठा करें, क्योंकि कुरानी आयात पढ़नी होती हैं, तो कुरान को पढ़ने का जो सलीका अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो आदाब बताए हैं, वो यही है कि आप बावजू होकर बैठें, ठीक है। आइंदा से कोशिश कीजिएगा, जुमे का दिन ही होता है और आपने वैसे भी जुमा के लिए जाना, तो उससे पहले ही आप तैयारी कर लीजिएगा और गुसल या वजू करके आप बैठा कीजिएगा, ठीक है। सबक के मकासद दोहरा देता हूँ, हर चीज पर अल्लाह की मलकियत का एहसास पैदा करना, शख्सी एहतसाब का एहसास उजागर करना, इखलाकी तालीमात पैदा करना, और इस्लामी अकायद और उनकी अहमियत वाजिया करना। ये तीनों आयात इकट्ठी एक दफा दी गई हैं। आउज बिल्ला, जब कुरान पाक पढ़े तो आपने आउज बिल्ला भी पढ़नी है, बिस्मिल्ला भी पढ़नी है। ये कुरान पाक में ही लिखा हुआ है कि जब आप कुरान, तो जब तुम तलावत करो कुरान पाक की, तो शैतान मर्दों से अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब वक्त नहीं है बच्चे अब वजू करने का। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कर रहे हैं वजू जिसने करना है। मैं साथ साथ अभी तो अरबी बता रहा हूँ, साथ इंशाल्लाह ताला आगे फिर जहाँ से जरूरत होगी आपको रिपीट कर दूंगा। जिसने वजू करना है वो कर रहे हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने बात की थी आज हम कुरान में जो पढ़ेंगे वह दो चीजें हम साथ साथ देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। एक तो कुरान पाक का तर्जमा, और साथ इसके अंदर जो छुपे मज़ामीन हैं उनको उजागर करना है। एक दफ़ा सारी कुरान पाक की तीनों आयात को एक दफ़ा पढ़ता हूँ, उम्मीद है आपको इसके अंदर ही कुछ बातें समझ आ जाएंगी, कुछ तर्जमा समझ आ जाएगा। बाकी हम दोबारा से इसको इंशाल्लाह ताला साथ साथ एक एक लफ्ज़ को लेंगे, उसके फिर अंदर जो मायना है जो वो भी लेंगे, उसके बाद जो मज़ामीन बनते हैं वो भी हम इसके अंदर करेंगे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वाइन तुबदु मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम जाहिर करो, तुबदु तुम जाहिर करो, मा फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे नफ्स में है, जो तुम्हारे जहनों में है, आओ या तुखफू हो, तुम
खफा करो, पोशीदा करो, छुपा लो, या तुम जाहिर करो चाहे या तुम उसको छुपा लो। युहासिबकुम अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा, बेहिल्ला अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा इससे, हर उस चीज का जिसको तुम छुपाते हो, जाहिर करते हो या छुपाते हो, अल्लाह ताला तुमसे, युहासिबकुम बेहिल्ला अल्लाह ताला उससे उसका तुमसे हिसाब करेगा। फा यग़फिरो पस बख्श देगा, ले मई यशा जिसको उसने चाहा, वयुअज़्ज़िबो और अजाब देगा, मई यशा जिसने जिसको चाहा, वल्लाहु बेशक अल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, ये आपको तर्जुमा आता ही अल्लाह चीज पर कादिर है। आमना जिस सूरह बकरा का आखिरी रुकू और आखिरी तीन आयत हैं ये वाली, आमना रसूल हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए, बेमा उन जिला उस पर जो उन पर नाजिल इलैही है उन पर नाजिल किया गया, मिन रब्बे ही उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून और मोमिन भी सारे मोमिन भी, कुल्लुन तमाम जो है आमना ईमान लेकर आए, जो ईमान की बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो क्या ईमान लेकर आए, कुल्लुन आमना तमाम ईमान लेकर आए, बिल्लाहे अल्लाह पर, व मलाइकाते ही और उसके मलाइका पर, व कुतुबे ही और उसकी किताबों पर, व रसूले ही और उसके रसूलों पर, ला नफर्रे को फर्क नहीं करते, बैना दरमियान आहादिम किसी एक में, ठीक है वो किसी एक पे में फर्क नहीं करते, ना नबियों में को फर्क करते हैं, किताबों पर फर्क करते हैं, सब पर ईमान लेकर आते हैं, ला नफर्रे को बैना आहादिम मिन रसूले, वो किसी रसूल में फर्क नहीं करते, किसी एक में रसूल में भी उसके रसूलों में से किसी एक में फर्क नहीं करते। वकाल वो और वो कहते हैं, समेना हमने सुना, वाताना और हमने अतायत की, गुफराना का रब्बाना वही लेकर मसीर, गुफराना का ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, रब्बाना है हमारे रब हमें तू बख्श दे, वही लेकर मसीर और हमने तेरी तरफ ही लौट कर जाना है, वही का तेरी तरफ अलमसीर हमने लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नहीं तकलीफ देता, नहीं मुकल्लफ करता अल्लाह, बोझ नहीं डालता अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स पर, इल्ला मगर उस आहा उतना जितना वो बर्दाश्त कर ले, जितनी उसकी वसत हो अल्लाह किसी, लाल युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह किसी को दर्द में तकलीफ में मुबतला नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, इल्ला किसी नफ्स को, इल्ला वुसाहा मगर जितनी की उसकी वसात हो, उससे ज्यादा, लहा मा कसबत उस हर नफ्स के लिए जो है, दरअसल अल्लाह तकलीफ नहीं देता उससे ज्यादा जिसकी जितनी उससे वसत हो, लहा मा कसबत मगर ये है कि नफ्स खुद ही अगर कुछ ऐसा करता है, लहा मा का सबत तो उसके लिए वही है जो उसने किया, वालेहा मक्ता सबत और उस पर उसके लिए वही है जो उसने किया और उस पर वही है जो उसने किया। अभी हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे। मा का सबत रब्बाना ए हमारे अल्लाह ए हमारे रब, ला ना तो आखिजना हमसे मुआखजा करना, हमसे पूछना, हमसे हिसाब किताब लेना, इन नसीना जो हमने गुनाह किए, वाओ अख्ताना या खताएं की हमने, रब्बाना ए हमारे रब, वाला और ना तहमिल अलैना हम पर बोझ डालना, इस रन कमा हमलता हो जिस बोझ को हम बर्दाश्त ना कर सके, कमा हमलता हो अल्लज़ीना कमा, अच्छा रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, याला हम पर बोझ ना डालना इस तरह का, कमा जिस तरह का हमलता हो तुमने डाला बोझ, अलल्लज़ीना लोगों पर,
मिन कबलेना, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। रब्बाना, है हमारे रब वाला, और ना तो हम मिल ना माला तो कताला, ना हम पर ऐसा बोझ डालना जिसकी हम में ताकत ना हो, बेही जिसकी हमें ताकत ना हो। वाफो अन्ना, और हमें हमसे दरगुजर करना, हमें माफ़ कर देना। वगफिर लना, और हमारे गुनाहों को बख्श देना। वरहमना, और हम पर रहम करना। अंता, तू मौलाना ऐ हमारे अल्लाह। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हम पर, और तू हम पर हमें मौलाना फंसुरना, और हमें ऐ अल्लाह हमें अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना, हमें नुसरत देना, फतह देना। अलल कौमिल काफिरीन, जो काफिर लोग हैं उन पर अल्लाह ताला हमें आप जो हैं वो फतह नुसरत देना, हम उन पर गालिब रहें। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस हवाले से, कुरान पाक के हवाले से। आजे अब हम आगे इसकी थोड़ी बहुत जो है ना वो तफसील से तर्जमा देखते हैं। जिन लोगों ने पहले देखा है कुछ समझ आई है, कुछ मजीद समझने के लिए इसको हम देखेंगे कुरान पाक के बाकी जो तर्जमा है सारा। जी सूरह बकरा आयत 284, तीन आखिरी आयात हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो ये पहली है, ये तीनों आयात मशहूर हैं, अमूमन इम्पोर्टेंट भी हैं, ये आ भी जाती हैं पेपर में। तो आपने इनके जो अंदर छुपे हुए जो मज़मून हैं उनका तर्जमा है, सर तर्जमा इन्हीं के लिए याद नहीं करना। मैं आपको इस तरह से याद कराऊंगा, कुरान पाक में कहीं भी आप इस तरह का लफ्ज़ पढ़ेंगे जो तर्जमा से कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, तर्जमे को जिस तरह से मैं बताऊंगा इसी तरह से आप इनको जहन नशीन कर लें और आपको बहुत सारी बातें हमेशा याद रहेंगी और आप तर्जमा कर सकते हैं। सबसे आसान ज़बान जो है ना, मैंने आपको बता दिया है, ये मेरा अपना तजुर्बा भी है, और ये सबक जब आप हम कुरानियाँ सारी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आप साथ साथ रिपीट करते रहेंगे जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बताता रहूँगा, तो आखिर पर आप खुद ये कहेंगे कि वाकई सर इससे ज़्यादा आसान जुबान और कोई नहीं है जो अरबी की जुबान है। सर हम शऊर नहीं देते, हम पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ ज़ाहिर है जिसको हम वक्त नहीं देते, जिसको समझते नहीं हैं, मुश्किल ज़्यादा नज़र आती है। तो इंग्लिश से भी ज़्यादा, इवन के उर्दू से भी काफ़ी ज़्यादा आसान जुबान जो है वो अरबी की जुबान है। चले जी, और कुरान की जुबान अरबी नहीं, खास तौर पर कुरान की जो जुबान है वो सबसे ज्यादा आसान की जुबान है। अच्छा जी, लिल्लाहे शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। लिल्लाहे इसका माना क्या बनेगा? अच्छा, एक लफ्ज जो है इसमें हम वैसे पढ़ते हैं अल्लाह, अल्लाह लफ्ज पढ़ते हैं अमूमन, कहते हैं अल्लाह, लेकिन यहाँ पे है लिल्लाह, पहले लाम लगा दी है, अल्लाह से पहले लाम साथ शामिल कर दी है। हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कन करीब क्लास में भी लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, तो वाइट बोर्ड की बहुत ज़रूरत होती है हर चीज़। हम मैं इस पर सही तरीके से एक्सप्लेन मतलब नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आपको वाइट बोर्ड की अच्छी ज़रूरत है, उसमें भी आपको साथ साथ बतानी होती हैं, वही बता सकता हूँ मैं उस पर ही लिख कर। और फिर साथ साथ ये होता है कि आपके ऐसे पूछा भी जाता है, सवाल जवाब भी होते हैं, यहाँ पर ये मसला भी है कि हम ऑनलाइन वो भी नहीं कर सकता, किसी एक बच्चे से पूछूँ हाँ भी क्या है बताएं, फिर उसका जवाब आने तक पर इंतजार करें, सारा लेक्चर और भी डिले हो जाता है। तो क्लास में ये होता है कि अटेंटिविटी भी देखी जाती है, आपका रुझान भी देखा जाता है, और साथ वाइट बोर्ड ये जो मल्टीमीडिया का है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं लेक्चर्स के लिए। खैर कोशिश करता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अच्छा, लिल्लाह यहाँ पे लाफज अल्लाह से पहले लाम लगा दी है, लाम जिस लफज से पहले आ जाए वो दो वजह से आती है। अच्छा, एक तो आपने लाम अलिफ ला पढ़ा होगा, ला उसका मतलब होता है नहीं, लेकिन ये लाम अलिफ ला वाली ला नहीं है, ये खाली लाम है, ये दो वजह से आती है। एक तो या तो ये इसका माना बनेगा के लिए, जैसे हम
फॉर इंग्लिश में कहते हैं एफ ओ आर, फॉर के लिए। अरबी में के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लाम इस्तेमाल होता है, के लिए लाम, खाली लाम, लफ्ज से पहले लाम लगा दे तो आपको अलहदा से एक लफ्ज के लिए के लिखने की जरूरत नहीं है होती। अरबी में लाम लिखने लिख दे तो उसका माना बनता है के लिए, या फिर नाम इस्तेमाल होती है लफ्ज से पहले, लाम इस्तेमाल होती है ताकीद के लिए, किसी चीज को एम्फसाइज किया जाता हो, आ जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो किसी बात पर, किसी लफ्ज के ऊपर, जैसे कि हम इंग्लिश में वेरी कहते हैं, टू मच कहते हैं, तो लाम उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। तो हम दोनों में क्या इस्तेमाल करना है वो हम जो हमारे सामने आयत मौजूद है उसके सियाक व सबाक के हवाले से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ताकीद, लाम ताकीद के लिए आनी है या लाम के लिए आनी है। ठीक है, माना के लिए बनता है या लाम ताकीद के लिए आई है। लिल्लाह अल्लाह के लिए, समझ आ गई है, लिल्लाह अल्लाह के लिए। माँ, जो माँ अमूमन लफ्ज इस्तेमाल होता है जो के लिए भी, नहीं के लिए भी आता है, जिसके लिए भी आता है, जिस यहाँ पे जो के लिए इस्तेमाल हुआ है। लिल्लाह लाम आई है अल्लाह से पहले तो मतलब बनता है लिल्लाह अल्लाह के लिए है। माँ जो फी समावात, जो आसमानों में है, फी का मतलब वही किसी चीज में, फी का माना बनता है में, जैसे कि सूरह बकरा की पहली आयत जो है अलिफ लाम मीम के बाद, जालिकल किताबो ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, फी इसमें, तो मा फी इसमें, जिस किस में, समावात, समावात जो है वो आसमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, समावात आसमानों के लिए, लिल्लाह है अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह ही का है भी, दोनों ठीक है। मा फी समावात, जो कुछ आसमानों में है, व मा फी अर्द, और जो, और वा का माना और, मा जो, और जो फी फिल अर्द, और जो जमीन में है, तमाम जो है वो चीज़ें, जो अशिया, जो भी मखलूकात वो है आसमानों में है या ज़मीन में है, तमाम अल्लाह ही के लिए है। ठीक है, व इन, इन लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक होता है इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, लेकिन ये है इन, इनका माना होगा अगर, व और इन अगर, और अगर तुब दू, तुब दू, अगर तुम जाहिर करो, एक लफज है बदा, बे दाल अलिफ बदा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बदीही माना होते हैं, जाहिरी माना होते हैं जिनको कहा जाता है। बदा का माना जाहिर होता है, उर्दू में भी यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, शायरी में भी इस्तेमाल हुआ है, और नसर में, नगाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, बदा, बदीही, बदीही लफ्ज आपने सुना होगा अमूमन, ये बदीही मानी रहता है, जाहिरी मानी रहता है, साफ वाजिया मानी रखता है ये बात जो है। तुब दू, तो यहाँ पे बदा, अच्छा एक और फार्मूला आपको बताता, चलो आपको मैंने लाम का फार्मूला बता दिया, माँ का भी बता दिया, फी का भी बता दिया है चीज़ें, तो ये चीज़ें अक्सर आपको आती होंगी, लाम का शायद नहीं होगा, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो लाम जहाँ भी आएगा वो के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी लफ्ज, किसी बात की ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। वह इन, इन मैंने आपको बता दिया अगर के लिए। तो बदू, हाँ एक अब फार्मूला मैंने आपको और बताना है, यहाँ पे है लफ्ज तुब दू, अरबी में अक्सरियत, ज्यादा जो अल्फाज है, ज्यादातर अल्फाज पूरे कुरान पाक में, बड़े बड़े लंबे लंबे अल्फाज भी होते हैं, आप देखें कि वो कितने कितने लंबे, एक लफ्ज बड़ा बड़ा लंबा भी होता है, वो बड़े छोटे भी होते हैं, जैसे हमने अभी हरफ भी पढ़े, छोटे छोटे हरफ भी पढ़े हैं, अल अर्द एक इसम है, एक है लफ्ज है, तुबदू भी एक लफ्ज है, लेकिन कुरान पाक में अरबी में, अरबी में, अरबी में जो भी लफ्ज हो, चाहे जितना भी बड़ा लफ्ज हो, अमूमन 90%
वो पूरा लफ्ज जो है वो दरअसल एक लफ्ज नहीं होता, उसके अंदर एक लफ्ज छुपा होता है। अरबी के जितने भी अल्फाज हैं वो बुनियादी तौर पर तीन हरूफ पर मुश्तमल होते हैं, सह हरफी हरूफ होते हैं, तीन हरूफ पर हर लफ्ज जो है अरबी का उसके अंदर असल जो होगी उस लफ्ज की वो तीन हरफ होंगे। हम डिक्शनरी जब देखते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं, हमने अभी मैंने वेरी टू मच की भी बात की है, तो वेरी को हम देखेंगे, इसका माना देखेंगे वेरी, तो हम वी में जाएंगे, वी ठीक है, उसमें जाएंगे टू मच का, और ये टू टी में जाएंगे, सही है। उर्दू में हम देखे किसी का मायना देखना होगा, जाहिर का मायना देखना हो तो हम जोई में जाएंगे, ठीक है। पोशीदा का मायना देखना होगा तो हम पे वाली डिक्शनरी, पे वाले जो चार्ट है उसमें देखेंगे, ऐसे ही होता है। अरबी में ये चीज नहीं है, अरबी में अगर आपने तुबदू का मायना अगर देखना है, तुबदू का मायना देखना है अभी डिक्शनरी में, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपको ते वाली डिक्शनरी चैप्टर में, ते वाले चार्ट में नहीं दे जाना पड़ेगा ना, आपको इसके अंदर जो तीन हरूफ जो छुपे हुए हैं आपको पहले वो तलाश करने हैं, निकल आते तलाश हो जाते हैं बड़ी आसानी से। आप वो तीन हरूफ जो हैं उन जो इस लफ्ज़ की बुनियाद है वो आप जब तलाश करेंगे, वो आप जब उनके उन तक पहुंच जाएंगे, वो निकाल लेंगे, फिर उसका जो पहला हरफ होगा उसके डिक्शनरी में आप उसको देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया बदा बे दाल अलिफ, इसके अंदर वो तीन हरफ छुपे हुए हैं, बाकी सारे जो इसमें है वो ग्रामेटिकली इसके साथ आए हुए हैं हरूफ। बदा इसकी असल है जाहिर करना, और बाकी ते पहले वाली जो है वाओ इसके अंदर है वो एडिशन है, इसके दरमियान जो वाओ आई है वो ग्रामेटिकली आई है, ठीक है। इन सात हरूफ मिलने से ये होता है कि एक तो इसकी ग्रामर का पता चलता है कि किस ग्रामर में बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, इन एडिशनल अल्फाज हरूफ आने से कि ये माजी की बात हो रही है, ये मजारे की बात हो रही है, मौजूदा की आने वाले वक्त की, ये अल्फाज ये जाहिर करते, इसके अंदर तीन हरफ जो है वो छुपे हुए हैं बस, वो है बता। एक और आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि कुरान पाक के अंदर एक लंबा लफ्ज आपको देता हूँ, सूरह अलहाक मुतकासुर, हला कर दिया तुमको कसरत ने, ये वाली सूरत आपको अक्सर कुछ आयत आती होगी, अलहाक मुतकासुर, इसकी आखिरी जो आयत है, आखिरी आयत सुम्मा लतुस अलुन्ना योम एजिन अनिन नाइम, सुम्मा लतुस अलुन्ना, सुम्मा एक तरफ छोड़ दें, लतुस अलुन्ना एक लफज है, लातुस अलुन्ना ये जो लफ्ज है इसके अंदर कितना बड़ा लफ्ज है, लातुस अलुन्ना इसके अंदर जो है जो असल है इसकी वो है साला सीन हमजा और लाम, ये तीन हरूफ इसकी असल है जिसका मायना है सवाल करना, साला तो लातुस अलुन्ना कितने हरूफ के अंदर आ जाते हैं, वो सारे इसकी कुछ ग्रामेटिकली आए हैं और इसके वक़्त को जाहिर करते हैं और इसकी पहचान को जाहिर कर जो बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि एक और मिसाल, जैसे कि हम हमारे अमूमन नाम होते हैं आमिर, उमर, इमरान, ये सारे तकरीबन हम माना होते हैं, इनके अंदर जो असल है वो एक ही आयन मीम रे एक ही है, और अमर भी अमूमन अरबी में इस्तेमाल होता है लफ्ज नाम के तौर पर, तो इस तरह से मिलते जुलते इससे जो होंगे इमराना, ये सब तकरीबन हम मायनी अल्फाज तकरीबन मिलते जुलते मानी इनके अंदर होंगे, असल इनकी आयन मीम रे ही है। अब आपको मेरे समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इन तो बदू, और अगर तुम बदा तो बदू तुम जाहिर करो करते हो, अच्छा ये लफ हर्फ जो आए हैं सर हमें कैसा पता चलेगा कि किसी वर्ड का के असल क्या है, ये सवाल आया है राबिया मुजीब की तरफ से। देखो बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया है एक ही दिन में आपको सारी चीजें समझ नहीं आ जानी,
आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी मैं यही बताने लगा हूँ, एक चीज मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर छुपे हुए तीन हरूफ जो हैं वो किस तरह होते हैं, हर लफ्ज के अंदर होते हैं, अमूमन तीन होते हैं, किसी किसी में वो 90% और किसी किसी में है कि चार भी होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं वो, लेकिन हम तो ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो हमें हमारे जो इसमें आता है हमें वो पहचान हो जाएगी तीन लफ्जों की। बदा इसका बदई ही अल्फाज जो है इसके में बदा जो है वो जाहिर को जाहिर करता है, तो तुबदू तुम जाहिर करो। हमें कैसे पता चलेगा, अब लफ्ज से पहले अगर ते आ जाए उनसे, अमूमन जो आप अरबी में अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम साधा पढ़ेंगे, आप देखते जाएंगे, आपको पॉइंट करता जाऊंगा, किसी भी लफ्ज से पहले ते आ जाए, ये आ जाए, अमूमन अलिफ आ जाए और मीम आ जाए, वो उस लफ्ज का हिस्सा नहीं होते। एक पॉइंट आप हमेशा ज़हन में रखें, लफ्ज से पहले ते आ जाए, ये आ जाए, अलिफ आ जाए, मीम आ जाए, अमूमन बाज़ दफ़ा मीम लफ्ज का हिस्सा ही होते हैं, हमें पता चल जाएगा, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, एक वक्त में सारी चीजें नहीं आ जाती। ते आ जाए, ये आ जाए, मीम आ जाए, इस तरह के कुछ हैं और भी कुछ हरूफ एक दो है, साथ साथ आपको बताता चाहूंगा, वो लफ्ज का असल लफ्ज का हिस्सा नहीं होते, उनको तो आप एक साइड पे कर देना, पता चल जाएगा कि ये ते जो है ना ये जाहिर करता है मजारे के सीगे को ग्रामर के तौर पर, कि ये जो बात हो रही है ये मौजूदा दौर की, आने वाले दौर की बात हो रही है। ते अगर पहले आ जाए या ये आ जाए, ये जाहिर करेंगे कि ये मौजूदा दौर की बात हो रही है, माजी की बात नहीं हो रही, ये प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात हो रही है इस टेंस के अंदर। तो इसमें देखिए ये जाहिर किया जा रहा है, वा इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, जाहिर है कि अल्लाह ताला ये मुखातिब कर रहा है और जाहिर करो की बात है कि मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की, तुम आज जाहिर करो या आने वाले वक्त में कोई ऐसा काम कर लो जो तुम उसको जाहिर कर रहे होगे या छुपा रहे होगे, ठीक है, इन तुबदू तुम उसको जाहिर करो। दूसरी चीज इसमें एक और है, आखिर पे अगर किसी लफ्ज का वाओ आ जाए, वो वाओ को ऊपर जज़्म आए, वाओ बगैर हरकत के हो, तुबदू इस वाओ इसमें जज़्म है ऊपर, वाओ के ऊपर, वाओ के ऊपर ना वाओ जबर वाह है, ना वाओ जेर वी है, ना वाओ पेश वो है, ठीक है, तुबदू ये वाओ जो है ना इसके ऊपर जज़्म है, जो दाल पेश वाओ दू पढ़ेंगे तो जिस लफ्ज के आखिर पे वाओ आ जाए वो भी लफ्ज के असल का हिस्सा नहीं होते, उसको भी आप साइड पे कर दें, ठीक है, उसके बाद अलिफ आ गया है तो वो लफ्ज का हिस्सा हो सकते हैं, होगा, ठीक है। और इस तरह से अगर वाओ आ जाए जिसके ऊपर जज़्म हो लफ्ज के आखिर पे, वो भी लफ्ज के असल का हिस्सा नहीं होते। वाओ आता है किसी को हुक्म देना हो, किसी बात का हुक्म दिया जा रहा हो, अमर का सीगा है कि किसी बात का हुक्म दिया जा रहा हो, तो उसको अरबी में आखिर पे वाओ के साथ जाहिर करते हैं, ठीक है, या किसी बात पे जोर दिया जा रहा हो तो उसको वाओ के साथ जाहिर करते हैं। जैसे सिंपल सी बड़ी आसानी सी बहुत सारी आसान आसान मतलब कुरान पाक के अल्फाज हैं, वाकी मुँह सलात वाकी मुँह अकी मुँह, आखिर पे वाओ आती है ना, वाकी मुँह उसके बाद फिर अलिफ भी आता है, तो असल उसकी काम है, काफ अलिफ और मीम, काम क्या काम के खड़े होना, कायम करना किसी चीज को, वाकी मुँह आखिर पे वाओ आ गया तो नमाज अदा करो, वाकी मुँह सलात वातू जकात तुम जकात अदा करो, किसी चीज की को पर जोर दिया जा रहा है, किसी बात पर किसी अमल करने पर या हुक्म दिया जा रहा है तो आखिर पे वाओ आती है। वा इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, बदा का मतलब इसके अंदर बदा लफ्ज है असल, बदा तुम जाहिर, तुबदू तुम जाहिर करो, मा फी जो कुछ, मा जो फी में, अनफोसेकुम, ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए अनफोसेकुम के अंदर मुझे बच्चे को दो तीन अभी जल्दी से मैसेज करके बताएं कि इसके अंदर असल जो है वो लफ्ज क्या है, अनफोसेकुम इसके अंदर तीन हरफ जो छुपे हैं वो कौन से हैं, जल्दी से बताएं,
मा फी अनफोसेकुम जो लफज है इसके अंदर जो तीन हरूफ बुनियादी इस लफज का जो असल है वो कौन से तीन हरूफ हैं वो बताएं जल्दी से। अनफोसेकुम सना कंवल जिंदाबाद नफस नफसा जी तसीफ हुसैन जबरदस्त नफस नून फे सीन जी हीरा जफर तीन आ गए ठीक है समझ आ रही है इसका मतलब आपको माफी अनफोसेकुम। अब इसमें देखिए आपको असर किस पहचान आसान होने शुरू हो जाएगी आगे भी चला चला आपको पता चलता जाएगा। फी अनफोसेकुम अनफोसेकुम पहली आयत है शुरू की मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए ताकि हम आइंदा जो है ना वो बात करें हम आइंदा से हम जल्दी से आयत पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहा कि आपको एग्जाम में इंशाल्लाह आपको तो वो मदद देंगे बल्कि सारी जिंदगी जितनी देर तक आप जिंदा कुरान पढ़ते रहे सुनते रहे आपको समझ आती रहे यही कुरान का अक्सर मकसद है। आपके हलक से नीचे उतरना चाहिए कुरान हलक तक नहीं रहना चाहिए आपकी सिर्फ जुबान तक नहीं रहना चाहिए जो नीचे उतरता है जुबान के कुरान तो वो आपके सारे जिस्म में नूर पैदा कर देता है सारे जिस्म में आपको उसकी तवानाई वो महसूस होती है जब आप इसको समझ के पढ़ रहे होते हैं जब आप पढ़ के जब उठते हैं कुरान पाक को तर्जमा के साथ वो समझ कर तो आप महसूस कर रहे होते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी इम्यूनिटी आ गई है कोई ऐसी एक ताकत आ गई है कि जो पहले अक्सर पढ़ते थे तो नहीं आती थी जो बहुत सारी परेशानी होती खत्म हो जाती है ठीक है कुरान पाक को समझ के। ये वाकई ये एक मौजज़ा चीज है ये आम इंसान का बनाया हुआ नहीं है ये उसका बनाया हुआ है जिसने हमें बनाया हुआ है ठीक है। इसको बहुत सारे लोगों ने मुस्तशरकीन ने गैर मजहब लोगों ने भी पढ़ा है बल्कि इसको इसका तर्जमा भी बहुत सारे गैर मुसलमानों ने लिखा है हमारे हमें पढ़ाए गए हैं कि कुछ लोग ईसाइयों ने इसके ऊपर तफसीर भी लिखी है तर्जमा भी लिखा है तफसीर भी लिखी है मौजूद है बहुत सारी इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है कुरान पाक जिसने समझ लिया है अल्लाह ताला ने उसको हदायत जरूर दी है ठीक है या उसने चाहे वो अलहदा बात है इस्लाम को कबूल किया या नहीं किया लेकिन यह है कि इसको समझना बहुत ही आसान है। माफी अनफोसेकुम नफासा इसके अंदर है और आखिर पे जो काफ पेश मीम कुम है काफ पेश मीम कुम ये भी ग्रामर का हिस्सा है। अच्छा मैं एक इसकी ना एक स्लाइड तैयार करूंगा उसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सीगे हैं चौदह अल्फाज हैं ये हा हुआ हुम हे या हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ना या ना ऐसे ठीक है ये चौदह सीगे हैं कि ये हर अमूमन लफज अल्फाज के साथ ये इसमें जमायर की इसमें जमायर हैं जैसे इंग्लिश में हम जमीर इस्तेमाल करते हैं ना ही शी इट जमीर के तौर पर इसमें जमीर नाम नहीं इस्तेमाल करते उसकी जगह पे ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ही शी इट तो इसी तरह कुरान पाक में भी इस चीज़ का लिहाज रखा गया कि बार बार अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया गया उनको असल को और उसकी जगह पर ये जमायर जमीरें जो है ना वो इस्तेमाल की गई हैं हा हुमा हुम हे या हुमा हुन्ना का कुमा कुम के कुमा कुन्ना और या ना ये चौदह सीखे हैं इंशाल्लाह अगली वो मैं आपको लिख के दे दूंगा इसमें बना के तो आप उसको लिख लीजिएगा हर लफ्ज़ में कुम जो है ये भी मुखातिब को जाहिर करता है जाहिर के जो आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा एक काल है जरा जी अस्सलाम वालेकुम शहजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी हाँ जी अबू जी वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है ठीक है ओके जी अल्लाह हाँ हाँ मेरा लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन जरा अच्छा अच्छा का कुम अकुम कुम जो है वो बहुत सारे को जाहिर किया जाता है कि कसरत जमा का सीगा है
तुम सब जो है वो अपने नफ्सों में माफी अनफोसेकुम, जो तुम्हारे नफ्स के अंदर है उसको तुम जाहिर कर लो। आओ अरबी में, उर्दू में हम कहते हैं या तो ये या वो, या का लफ्ज इस्तेमाल होता है दो सिफात को अपनाने में, या तो ये सिफत अपना लो या ये सिफत अपना लो, या का जो लफ्ज है उर्दू में और अरबी में है आओ, अलिफ जबर वाओ आओ। उर्दू में क्या है, या उर्दू में है या और अरबी में है आओ, उर्दू में है या और अरबी में है आओ, आओ का माना बनता है या। अनफोसकुम आओ तो खफू हो, तुम अपने नफ्सों में छुपाओ, या अपने अपने नफ्सों में है जो आपके नफ्स में है उसको तुम छुपाओ, आओ या तो खफू हो तुम उस जाहिर करो, या तुम दो का मतलब जाहिर करना और तो खफू हो, तो खफू हो बताए। अब इसका कोई बच्चा बताए, एक बच्चा बता दे तो खफू हो, तो खफू हो इसका असल क्या है, तुख्फू हो इसका असल क्या है? ते मैंने आपको बताया था ये ग्रामेटिकली आता है, इसका ऐसा नहीं होता। आखिर पे वाओ आ जाए वो भी ऐसा नहीं होता, और हे जो है वो भी जमीर के तौर पर, वो मैंने आपको बताया ना हा हुमा हुम, मायना नहीं पूछा दुबैना बतूल साहिबा बच्चे, मैंने पूछा है तुख्फू हो के असल लफ्ज क्या है, इसके तीन जो लफ्ज हैं, खफा जी सना कंवल फिर जिंदाबाद, आओ तुख्फू हो के अंदर जो लफ्ज छुपा है वो है खाफ, खाफ छुपाना पोशीदा करना, खाफा अलिफ इसमें से कट गया है तो खाफ भी कहा जाता है, खेफे भी खाफ खाफे जबर खाफा भी आता है। तुख्फू हो हुमा हुम ही या हुमा हुना ये जमीर है, वो जो है वो जमीर के तौर पर, इसमें जमीर के तौर पर आया है, इसका मतलब है उसको। आओ या तुख्फू हो तुम छुपाओ हो उसको, किसको, माफी अनफोसेकुम की बात हो रही है जो तुम्हारे दिलों में है। वाइन पीछे आते हैं थोड़ा सा, वाइन और अगर तू बदू, अगर तुम जाहिर करो माफी अनफोसेकुम जो तुम्हारे दिल में है, आओ तो फो हो या तुम उसको छुपा लो, यु हासिबकुम हासाबा हिसाब करना, हिसाब किताब करना, ठीक है। यो ये मैंने आपको बताया था, ये और ता ते और ये जो है वो पहले आज लफ्ज़ ऐसा नहीं होते, ये इसके जमाने को टेंस को जाहिर करते हैं कि ये माजी की बात हो रही है या मौजूदा की या आने वाले वक्त की। तो यो हासिब हुकुम ये लफ्ज कैसे नहीं, हासिब है हासाबा हे सीन बे हासाबा या हे अलिफ सीन बे दोनों ठीक हैं। यो हासिब कुम कुम वही आ गया नफोसा कुम वाली बात है, अल्लाह ताला माफ करे, तुम अपने नफ्सों में छुपाओ अपने नफ्सों में, यहाँ पे यो हासिब कुम तुम्हारा अल्लाह ताला जो है वो तुम सबका जो हासिब को हिसाब किताब करेगा, हिसाब लेगा, ठीक है। बे ही इसमें ज़मीर है, और बेजर बे जो है ना उसका मायना बनता है का के की, जैसे कि हम इसम है, इसम का मायना नाम है, इसम नाम है, तो हम जब पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, बे जो है ना वो के का की के को ऑफ इंग्लिश में कहते हैं जिसको, और उर्दू में का की के को का मायना लेते हैं बे, उसका मायना है ही हेजर हे जो आते बे ही जो है बेजे हेजर हे जो है ये इसमें जमीर है, ये जमीर है कि अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, युहासिब को तुम से हिसाब लेगा बे ही उसका, अल्लाह अल्लाह युहासिब कुम तुमसे हिसाब लेगा बे ही उसका, अल्लाह अल्लाह ताला जो है उस चीज का तुमसे हिसाब लेगा, किस चीज का, जो तुम जाहिर करते हो या छुपाते हो अपने नफ्सों में, समझ आ गई है। फा बस यग फेरो, फा का माना पता है आपको, पस है
ये जो है ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं है, ये जमाने को जाहिर करता है। कुम का मायना तुम सब, हीरा जफर ने पूछा है कुम का मायना क्या बनता है, कुम का मायना है तुम सब, ठीक है। फिर बस या का लफ्ज़ तो इसका मायना सिर्फ हम लेते हैं कि ये कौन सा जमाना इस्तेमाल हुआ है, फिर इसका असल जो आ गया लफ्ज़ का वो गफारा, बख्शना, माफ कर देना, वो है यगफिरो। फिर बस अल्लाह, बस फायग फिरो बस बख्श देगा, ले मई यशा, ले लामजे ले जिसको चाहेगा, या बख्शिश है जिस अर्ज के लिए, यशा जिसको वो चाहेगा उसके लिए बख्शिश है, ले मई यशा जिसको चाहे, ले मन का मतलब आप लेंगे तो है जिसको के लिए इस्तेमाल होगा, जिसके लिए, जिसको, जिसका, लेमन जिसको, जिसका जिसका या जिसे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। यगफ यगफिरो बस बख्श देगा, ले मैं यशा जिसे अल्लाह चाहे, यशा यशा का मतलब है चाहना, शाह 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 का माना होता है चाहत करना, चाहना, ले मैं या शाह जिसको अल्लाह चाहेगा। निमरा ने पूछा है सर कुम में जमीर का सीगा कौन सा है। कुम मैं आपको लिख के दूंगा ये सारे, ऐसे में अगर आपको बताता हूँ जो आपके ऊपर से दिमाग से गुजर जानी, ये जो समझा रहे हो ये भी आपसे नहीं आना, ये भी भूल जाना है आपको। कुम मुखातिब हाजिर, जो मुखातिब है जमा मुखातिब का ज़िगा है, जमा मुखातिब का मुजक्कर, दो मतलब ज्यादा आदमियों को अगर मुखातिब किया जाए तो कुम जो आपके सामने हो, आप किसी को बता रहे हो कि ये ऐसे करना है तुम सब ने, तो कुम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुखातिब जमा का ज़िगा है। यु हासिब कुम अनफोसे कुम, ठीक है, तुम सब के नफसों में या तुम सब का हिसाब लेगा अल्लाह। अच्छा हम बात कर रहे हैं फिर बस अल्लाह बख्श देगा, ले मैं यशा जिसको चाहे, जिसे चाहे, यशा जिसे चाहे, शाह शाह कमाना है चाहना, ठीक है। वायु अजेबो और अजाब देगा वो, अजेबो आयन जे बीन बे इसका असल है, वायु अजेबो अल्लाह अजाब देगा, मैं यशा जिसे चाहेगा, वल्लाह हो बेशक अल्लाह जो वो, और अल्लाह जो है आला पर कुल्ले हर एक शाये इन, ये शाह है, ये शाये इन है, ये शाये है, शीन के साथ ये आया है, यहाँ पे शीन के साथ ये नहीं है, शीन के साथ मद है, तो ये शीन जो मद वाली है इसका मायना चाहना, चाहत होगा, चाहना होगा, इरादा होगा, ठीक है। और ये जो शाये शीन के बाद ये आई है उसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। और इसमें ये है कि इस शय का मतलब किसी चीज को जाहिर करना है, कुल्ले शय हर चीज पर जो है, शय पर हर चीज पर कदीर कुदरत रखता है अल्लाह ताला। दोबारा तर्जमा तेजी से पढ़ते हैं, आपको आ गया होगा उम्मीद है। लिल्ला है, आप तर्जमे को नीचे करना ना देखें, आप सिर्फ आप अरबी को देखें और खुद देखें, खुद भी पढ़ें मेरे साथ, आपको समझ आ जाएगी। लिल्ला है लाम से, लाम किसके लिए आता है, के लिए, लिल्ला है अल्लाह के लिए है, मा फी समा मा जो फी समावात है आसमानों में है, व मा और जो फिल अर्द है जमीन में है, व इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, बता जाहिर करना, तुबदू तुम जाहिर करो, मा जो फी अनफोसेकुम तुम्हारे दिलों में है, ओ या तुखफू हो तुम उसको छुपाओ, यु हासिबकुम तुमसे हिसाब होगा, बेही इसका हर उस बात का जो तुम जाहिर करते हो, छुपाते हो अपने नफ्सों में, तुम जाहिर करो या छुपाओ, यु हासिबकुम तुमसे हिसाब होगा, बेही इस पर अल्लाह, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा उसका, ठीक है, जो भी तुम जाहिर करते हो, छुपाते हो।
फ़यग़फ़िरु, बस फिर चाहे अल्लाह बख्श देगा, फ़यग़फ़िरु बस अल्लाह बख्श देगा, लिमन यशा जिसे चाहेगा, वयुअज़्ज़िबु और वो अज़ाब देगा, मन यशा जिसे चाहेगा, वल्लाहु अला कुल्ली शाइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आपको मैंने बताया था लफ्ज़ से पहले ते आ जाए या ये आ जाए, ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होते, ये उसके ज़माने को ज़ाहिर करते हैं या ये फ्यूचर को ज़ाहिर करते हैं या हाल को या फिर माजी को। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो तुबदू में ते इस्तेमाल हुई है, यग़फ़िरु में ये इस्तेमाल हुई है, युअज़्ज़िबु में ये इस्तेमाल हुई है, ये जो ये हैं इसका मायना क्या बनता है, ये फ्यूचर को जाहिर कर रहे हैं। फ़यग़फ़िरु बख्श देगा, बख्शेगा, होगा, होगी, हो गए, ठीक है, ये सारे चीज़ हैं। अल्लाह का क्या मतलब है निमरा, ये ऐसी बातों ना करें ना आप, अल्लाह का मतलब अल्लाह ही है। जो हासिबिकुम बेहिल्ला तुमसे हिसाब लेगा, बे ही उसका अल्लाह, अल्लाह ताला उसका जो तुमने छुपाया है या जाहिर किया उसका हिसाब लेगा। अच्छा, आला का मतलब पूछा है, ठीक है, आला पर, ठीक है, लेखा रोशना अच्छी बात है, आला का मतलब है पर, उस पर। अब अल्लाह हो और अल्लाह आला कुल्ले शैन कदीर, हर चीज पर कादिर है। आगे चलते हैं जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वक्त भी कम होता जा रहा है। सूरतुल बकरा की आयत 284 हमने कर ली, अब हमने करना है, अब हमने करना है सूरह बकरा की अगली आयत 285। आमाना, अब आप इसमें देखें पहला लफ्ज है 285 आयत का आमाना, इसमें एडिशन, ये तीन अल्फाज पर ही है, अलिफ तो इसमें वो आ गई है, जायद वो प्रॉब्लम नहीं है। आमाना ये तीन ही हरफ इसमें आए हैं, चौथा पांचवा छठा कोई हरफ इसके अंदर जायद हरफ नहीं है, ठीक है। आमाना का मतलब ईमान लाना है, तो ये तीन ही हरफ हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक और फार्मूला बताता हूँ। हमने पहले पढ़ा किसी लफ्ज से पहले ते आ जाए, ये आ जाए, ते आ जाए, ये आ जाए पहले लफ्ज से, तो ये उसके जमाने को जाहिर करते हैं और ये प्रेजेंट और फ्यूचर को जाहिर करते हैं। अरबी में दो तरह के जमाने आते हैं, उर्दू की तरह या इंग्लिश की तरह तीन नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल, ये नहीं है। तीन जमाने अरबी में नहीं, अरबी में सिर्फ दो जमाने हैं, या माजी है या फिर मजारे कहा जाता है, दूसरा मीम ज़ाद अलिफ़ ज़ा मज़ा रे और आयन, मजारे, मजारिया, मजारा, मजारिया, ठीक है। अरबी में दो जमाने, माजी है और मजारे है। मजारे का मैंने आपको बता दिया कि लफ्ज से पहले अगर ते आ जाए या ये आ जाए वो मजारे का जिगा है, या तो उसमें बात की जा रही है मौजूदा दौर की या आने वाले वक्त की। ये कंटेंट जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम पूरे तर्जमे के हिसाब से करेंगे कि माजी प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की, मजारे में कौन सी बात हो रही है, ठीक है, या हम करते होता है ती है में करेंगे, या फिर हम होगा हो गए में करेंगे, अगर पहले ते या ये आ जाए। अगर किसी लफ्ज से पहले तीन हरफ जो हैं, हरूफ जो हैं किसी भी लफ्ज के, वो अगर आ गए तीनों, उससे पहले कोई हरकत ऐसी नहीं है किसी भी फेल से पहले, तो वो माजी का फेल कहलाता है। माजी के फेल में एडिशन वर्ड नहीं होता, अमूमन नहीं होता। माजी की जब कोई भी कोई फेल ऐसा आ जाए, वर्ब ऐसा आ जाए जो जिस पे आपको नजर आए अरबी में वर्ब आ गया है, तो इसमें कोई हरकत एडिशन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना दाराबा उसने मारा, ठीक है, पहले कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया, तो इसका मतलब है एडिशन हरफ नहीं आया इससे पहले, लफ्ज से पहले, तो ये माजी का सीगा है। तो आमाना ये तीनों हरफ जो असल हैं वो मौजूद हैं लफ्ज के अंदर, तो इसका मतलब है ये कि माजी की बात हो रही है। तो
आमना रसूल हो, रसूल का मतलब रसूल है, तो आमना रसूल हो, रसूल क्या होगा, ईमान लाए या ले आए। रसूल ने तो ईमान ले लिया, ले आया है, वो तो बात हो गई है एक तरफ, यहां पे बताया ये जा रहा है आमना रसूल हो, रसूल ईमान ले आए हैं, रसूल ने मान लिया है, रसूल जो अल्लाह ताला का नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है, जो तुम्हें हिकमत और दनाई की बातें बताते हैं, आमन रसूल, रसूल ईमान ले आए, बे मा, बे का की के को के लिए इस्तेमाल होता है ना, माँ जो के लिए, तो इसका जो पूरा बनेगा जो उसके लाया उस पर, बेमा बेमा उस पर उन जिला नाजिल किया गया, इलाही है उस पर, मिन रब्बे ही उसके रब की तरफ से, मिन रब्बे, रब रब होता है, रब का मायना अल्लाह होता है, और अगर आखिर पे रब के बाद हेजर ही आया है, ही जमीर के तौर पर आया है, जमीर के उस रसूल के रब की तरफ से, उसके उसका उसके उसकी, ये ही जो है ना वो उसके माना में इस्तेमाल होता है, उसका उसके उसकी के लिए इस्तेमाल आता है, इस्तेमाल होता है, मिन से। आमन रसूल और रसूल ईमान लाए, बेमा जो उन जिला जो उन पर नाजिल किया गया, इलाही है उन जो उनकी तरफ, उन जिला इलाही है उनकी तरफ नाजिल किया गया, मिन रब्बे ही उनके रब की तरफ से, मिन रब्बे उनके रब से की तरफ से या रब से। आमन रसूल और रसूल ईमान लाए, बेमा उन जिला जो उन पर नाजिल किया गया, इलाही है उन पर उनकी तरफ, बेमा उन जिला जो नाजिल किया गया, इलाही है उन की तरफ, मिन रब्बे उनके रब की तरफ से। वल मोमिनून बात हो रही है यहाँ पे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल तो ईमान ले आए, वल मोमिनून और तमाम मोमिन भी, ये जमा का सिगा है, जमा में अमूमन जो है वो आखिर पे नून, वाओ और नून आती है। असल क्या है इस लफ्ज का, मोमिनून, बताएं जल्दी से बच्चे, बच्चे मैंने आपको बताया है अमाना में तीन लफ्ज हैं, और अलिफ जो है ये हमजा की वजह से अलिफ आया है, दरअसल ये तीन लफ्ज ही हैं, आपको पता चल जाएगा, मैं अभी आपको साथ साथ बताता चाहूंगा। अमाना जो है ये तीन हरूफ ही हैं लफ्ज के असल जो है, और देखे ना अमाना, तीन तो इसमें हरकतें हैं, तीन ही अल्फाज, तीन ही आवाजें आती हैं अमाना, ज्यादा आवाजें तो इसमें आते नहीं है, जैसे रब्बे ही की बात हो रही है, वल मोमिनून, वल मोमिनून, तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले आवाज नहीं दे रहा, वल मोमिनून में वाव ज़बर लाम, वल मोमिनून की बात हो रही है, तो अलिफ जो है ना वो आवाज नहीं दे रहा, इसमें तीन ही वो हैं हरूफ जो जाहिर आपके सामने नजर आते, अमाना ये तीन पर ही मुश्तमिल। अच्छा मोमिनून का बताएं, मोमिनून हम इंशाल्लाह इसको बोर्ड पे भी करेंगे, आपकी क्लासें अल्लाह करे जल्दी से स्टार्ट हो जाएं, तो मैं खुद समझता हूं कि ये लेक्चर बोर्ड पे ही होना चाहिए, बहुत सारी बातें एडिशनल आपसे करने भी होती हैं, और व्हाइट बोर्ड पे भी समझाना होता है हर बात को, तो लेकिन आप करते जाएं जहां तक आता है, हम इंशाल्लाह इस तरह उसको लेकर आगे चलेंगे। वल मोमिनून की बात करें जल्दी जल्दी से, मोमिन जी राबिया मुजीब ने बताया है, मोमिन 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 वल मोमिनून के असल है मोमिन, मीम वाओ, वाओ नहीं है, मीम आगे हमजा है वो आवाज नहीं देता, मोमिन और मीम नून, मोमिन इसका असल लफ्ज है जिसका मतलब है ईमान लाने वाले, हम इसको मोमिनून का असल हम आमाना भी कह सकते हैं जो शुरू में आया है, मोमिनून का असल जो है ना वो आमाना भी है, आमाना ईमान लाए। वल मोमिनून वो लोग, वल मोमिनून मोमिन वो जो ईमान ले आए, आमना तो ईमान लाना होता है, ईमान लाना, आमना रसूल और रसूल ईमान लाए, आमना ईमान लाना है, ठीक है। वल मोमिनून वो तमाम लोग जो ईमान लेकर आए,
अच्छा जी, वल मोमिनून और वो तमाम मोमिन भी, यहाँ पे बात होती है ख़त्म पहली आयत की, 285 की आयत की एक बात यहाँ पे हो जाती है, तकरीबन ख़त्म हो जाती है। आमन रसूल और रसूल ईमान लाए बिमा उनज़िला जो उन पर नाजल किया गया इलैह उन पर, बिमा उनज़िला जो नाजल किया गया इलैह उनकी तरफ, मिन रब उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून और मोमिन भी, ठीक है, यहाँ पे बात होती है ख़त्म। वल मोमिनून पे जाके बात ख़त्म होनी है, मिन रब्बे ही की पर बात ख़त्म नहीं होती, कि रसूल ईमान लाए जो उनकी तरफ नाजल किया गया उनके रब की तरफ से, और मोमिनून और मोमिन भी मान ले है, कुछ मोमिन भी मान ले और रसूल भी मान ले है जो उनके रब की तरफ से नाजल किया गया। अब नाजल क्या किया गया, किसकी बात हो रही है, नजूल किस नजूल की बात हो रही है, वो आगे फिर अल्लाह ने बयान किया है, फरमाया है कुल्लून तमाम जितने भी मैंने बयान किए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है रसूल का भी मैंने जिक्र कर दिया, मोमिन का भी जिक्र कर दिया, तमाम मोमिनों का, वो तमाम कुल्लून वो तमाम जो है, आमना ईमान लाए बिल्लाह, किस पर ईमान लाए का है, अगर वो उनकी डेफिनेशन बयान की गई है, इंटरप्रिटेशन किया गया है इसी आज के हिस्से को आगे, कुल्लून तमाम ईमान ले आए, आमना ईमान लाए बिल्लाह अल्लाह पर, व मलाइकाते ही उसके रसूल उसके मलाइका पर फरिश्तों पर, मलाइकाते ही जो है ना आखिर पे आप ये देखें हे है तो ये इसमें ज़मीर है उसका उसके उसकी, तो वह मलाइकाते ही उसके मलाइका पर उसके फरिश्तों पर, वह कुतुबे ही उसके किताबों पर, वह रसूल ही और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रे को फ़र्क नहीं करता बैना, वो फ़र्क नहीं करते, ये सब ईमान लेकर आए वो फ़र्क नहीं करते, ला नुफर्रे को वो फ़र्क नहीं करते, इस देखे ना ला नुफर्रे को का असल क्या है, फेरे काफ है, नून जो ये एडिशन है, नून भी एडिशन आ जाता होता है शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में जब आता है, ठीक है, ये अमूमन नहीं आता लेकिन आता है, ला नुफर्रे को वो फ़र्क नहीं करते। देखिए जब हमारे पास अगर लफ्ज़ असल जो है ना वो तीन मिल जाते हैं, फ़रा का असल लफ्ज़ उसके अलावा जितने भी वो एडिशन नहीं होते हैं, ठीक है, समझ आ गई, इस तरह से भी आपको पता चलेगा नून एडिशन के तौर पर आया है या फिर लफ्ज़ का अपना हिस्सा है, वो तीन हरूफ का आपस अपना ही एक हिस्सा, ला नुफर्रे को वो फ़र्क नहीं करते, ला नहीं नुफर्रे को फ़र्क नहीं करते, बैना आहातिम मिन रुसले, बैना कहते हैं माँ बहन, दरमियान, बैना दरमियान, आहदिन किसी एक में, आहद वाहदुन वाहदुन इसनान सलासतुन, ये अरबी के लफ गिनती है काउंटिंग है, तो आहद एक को कहा जाता है, कुल हुवल्लाहु आहद, अल्लाह एक है, आहद का मतलब क्या है, एक, मिन रसोले ही उसके, मिन रसोले ही का मतलब है उसके रसूलों में, समझ आ गई, मिन रसोले ही उसके रसूलों, रसोले ही रसूल उसके रसूलों में, ला नुफर्रे को वो फ़र्क नहीं करते, बैना आहद मिन रसूले किसी एक रसूल में भी वो फ़र्क नहीं करते, ठीक है, सब पे ईमान लेकर आते, ये नहीं कहते कि ये इस नबी को हम नहीं मानते इस नबी को हम मानते हैं, जो ईमान वाले हैं जब रसूल भी ईमान ले आए और मोमिन भी ईमान ले आए, वो उस तमाम जो ईमान लेकर आए, कामिल ईमान तब होता है, अल्लाह ताला फरमाना ये चाह रहा है कि जो वो अल्लाह पर भी ईमान लेकर आए, उसके फरिश्तों पर भी लेकर आए, उसकी कुतुब पर भी लेकर आए और उसके तमाम रसूलों पर भी लेकर आए, ला नफरे को बैना आदमी रसूले, और किसी रसूल में तफरीक ना करें, ये ना कहें हम इसको नहीं मानते ये तो किसी और मजहब का नबी है, या हम ये नहीं इसके साथ हमारे इख्तलाफात है, हमारे नबी इसके बाद थे या इससे पहले थे तो हम इसको नहीं मानते हम इसको मानते, जो ईमान लेकर आए मोमिनून की जो सिफात हैं, जो रसूल की सिफत अल्लाह ताला ने बयान की है वो ये की है कि वो तमाम पर ईमान लेकर आते हैं, ला नफरे को बैना आहद मिन रसूले, वो किसी एक में फ़र्क नहीं करते, ये ईमान की पुख्ता दलील है, इसी ईमान का हिसाब हमसे क़यामत वाले दिन होना है कि हमने क्या किया है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आयात आई थी, जो मोमिन आए जो रसूल आए थे, जो किताबें मिली हमने उनके साथ क्या रवैया क्या अकीदा रखा था, तो उसी के ऊपर हमारा हमें जजा भी मिलनी है, उसी पर हमें सजा भी मिलनी है, तो यही है कि हम किसी एक नबी पर भी हम कोई ऐसी अपने दिल में अपनी जुबान पर कोई ऐसी बात ना लेकिन कोई गुस्ताखी ना करें, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम किसी एक नबी पर भी हम गुस्ताखी ना करें, ठीक है, ला नफरे को बैना आहद मिन रसूले, वो किसी एक में फ़र्क नहीं करते, रसूल में उसके रसूल में से किसी में फ़र्क नहीं करते, ठीक है, वकालू इसका असल क्या है बताएं जल्दी से, वकालू वकालू इसका असल क्या है,
वकालू, कालू वो कहते हैं, कहना, काला का मतलब होता है कहना, कुल कह दीजिए, कुल काला, कालू, कीला, ये सारे जो है ना ये कहने के मायना में आते हैं, किस बात को कहना जा कहा जा रहा हो, कहा, कहना, कहा, ये वकालू वो कहते हैं, लू जो है वो वकालू, और वो कहते हैं, समय ना, समय ना का जल्दी से बताएं, समय ना, वाताना का भी बताएं, समय ना का असल क्या है? समय ना बच्चे, आप बोल नहीं रहे, आपको मेरी आवाज आ रही है? समय ना बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेक्चर समा जी, रोशना, कंवल और अदीना, शाबाश। समय ना का असल जो है समा, सीन, मीम और आयन है। समा का मतलब समा, सुनना, समात भी कहा जाता है उर्दू में, समा सुनना, महफिल समा भी होती है, ठीक है, और इस तरह समात से है समा, समय ना, इसमें तीन जो हरूफ हैं वो समा है, सुनना। नून अलिफ ना जो आखिर पे आता है ये एडिशन है, ये जमीर के तौर पर आया है, मैंने आपको बताया था ना 14 ज़मीर है, ये 14वीं ज़मीर है, या ना, ना आखिरी है कि हम सब ने सुना। समय ना वो कहते हैं, और उन्होंने कह, और वो कहते हैं वकालू, और वो कहते हैं हमने सुना, समय ना हमने सुना, व अताना और व अताना, अता आना का बताएं, ये आपके लिए इम्तिहान है, ये आपके लिए मुश्किल होगा। वह अता आना, इसके अंदर तीन जो लफज हरफ हैं वो कौन से हैं, असल जो है इसके मसदर जिसको कहा जाता है, मसदर, मैं अब आपके लिए लफज मसदर इस्तेमाल करूंगा, इसको मसदर कहते हैं, जो तीन हरूफ छुपे होते हैं लफज में, इनको मसदर कहा जाता है। मसदर अरबी में, उर्दू में इसका तर्जमा करें तो दिल भी आता है, अलम नशरा लका सदरा का, सदरा का सदर, तेरे आपके दिल को हमने, अलम नशरा, आता जी, तौसीफ हुसैन, जबरदस्त। ताना नहीं है, ना का लफ्ज़ मैंने आपको बताया ये ज़मीर के लिए आता है, अदीना फिर बोल गया, अभी मैंने आपको बताया नून अलिफ ना जो है ना वो ज़मीर के लिए आता है, आता, आता हे नहीं है, आता अलिफ तोए, अलिफ ता और आइन, आता इसका असल है, आता वा आता आना। अब ये देखें इस अलिफ के, इस अलिफ के ऊपर जो है ना वो हरकत है, अलिफ जबर है, वा आता ना, ठीक है, तो इसका असल जो है ना वो अता है, अता, अता का मतलब है अताआत करना, उर्दू में हम कहते हैं ना हमने अताआत की, पैरवी की, माना, हुक्म पर चलना, अताआत, बंदगी करना, पैरवी करना, अताआत करना। वह अता आना नून अलिफ ना, हमने अताआत की, हमने अताआत की, ठीक है। गुफराना का ये भी गाफारा लफज, असल गाफारा है, ना और का ये दोनों जमीर के तौर पर आए हैं। गुफराना का हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, या गुफराना का तू हमें बख्श दे, रब्बाना ऐ हमारे अल्लाह, हमारे रब, व इलैकल मसीर, रब्बाना, रब, रब कहते हैं, ना अलिफ ना हमें, ए हमारे रब, रब्बाना ए हमारे रब, व इलैका और इलैका तेरी ही तरफ, का भी एले, इसमें दो चीजें, एला, एला कहते हैं ना एला की तरफ जाना, व सहाबा इलल मस्जिद, एला अलिफ लाम और या जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, अलिफ लाम या एला का मतलब होता है की तरफ, तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था अलिफ लाम या, ये देखे ना, मामना रसूल बिमा उनसिला इलाए, हे जमीर है, उसके अलावा जो तीन हरूफ है ना एल अलिफ लाम या, इसका माना है की तरफ एला की तरफ, टू वर्ड्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, टू वर्ड्स,
तो इला की तरफ, तो यहाँ पे भी वा इलई का वा और इलई की तरफ का मतलब है का को मा को मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको जमीर लिख के दूंगा इंशाल्लाह सारी 14 रट लें आप अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगी बड़ी आसानी से और आप इसको समझ जाएंगे हर लफ्ज को। वा इलई का और हमने तेरी ही तरफ अल मसीर हमने फिर कर आना है, हमने लौट कर आना है, हमने रजू करना है, मसीर मसारा मसारा इसका लफ्ज है, हमने लौटना है फिरना है और रजू करना है। वाइली का इनका मतलब मसीह का मतलब ये है कि हमने तेरी तरफ लौट कर आना है, तेरी तरफ फिरना है, तेरी तरफ हमने रजू करना है, ठीक है। आखिर हम तेरी तरफ लौट कर आने वाले हैं इस दुनिया के बाद, इस जिंदगी के बाद। शुरू करते हैं फिर दोबारा से 285 आयत, आपको उम्मीद है अब आपको इसका तर्जुमा आ जाता होगा, आता होगा। अमना रसूलों रसूल ईमान लाए बेमा उनसे ला जो उन पर नाजिल जो नाजिल किया गया इलाही है उनकी तरफ, ठीक है, मिन रब्बे ही उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून और मोमिन भी, ठीक है, मोमिनून और मोमिनीन भी ईमान लेकर आए, जो भी बात हुई है पीछे। अमन रसूलो रसूल ईमान लाए बेमा उनसिला इलाही में रब्बे ही जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, वल मोमिनून और मोमिनीन भी, ठीक है। आगे कुल्लुन तमाम जो है आमना अमान लाए बिल्लाहे अल्लाह पर व मलाइकाते ही उसके फरिश्तों पर व कुतुब ही और उसकी कुतुब पर व रसूल ही और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिको बैना अहद मिन रसूले अल्लाह फर्क नहीं, ला नुफर्रिको और वो फर्क नहीं करते बैना अहद मिन रसूले उसके किसी रसूल में भी। देखे यहाँ पे इस बात में इस इतने से लफज पर ला नुफर्रिको बैना अहद मिन रसूले, यहाँ पे अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहा है, ये सबक दे रहा है कि तमाम उम्मतें जो हैं वो एक जज्ते वाहद की तरह हैं, एक ही उम्मत शुमार होती है कि वो सब अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, फरिश्तों पर ईमान लेकर आते हैं, सारी किताबों पर ईमान लाते हैं जो मैंने वक्तन फवक्तन अंबिया इकराम पर नाजिल की, और रसूल पर ईमान लेकर आते हैं जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कबाइल की तरफ उनको हदायत के लिए नाजिल किया मैंने, उनको उन पर लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि जब सारे लोग इस बात पर मुतफिक हो जाए, एक बात पर मुतफिक हो जाए, तो यही वो यही वो उम्मत होगी कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसके जिसके यकीन दहानी के लिए मैंने ये कायनात को तख्लीक किया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मान लो, अल्लाह ने मखलूकात पैदा की है, अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए इस पर भी मान लो, और फिर कुतुब भी अल्लाह ताला ने इंसानों के हिदायत के लिए उतारी इसको भी मान लो, और रसूलों को भी मान लो, किसी में फर्क ना करो, ये अल्लाह ताला चाहता है हर मजहब के लोग में, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो ईसाई, चाहे बुद्धि है, वो किसी भी दीन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला दरअसल ये चाहता है कि लोगों इस बात पर मुत्तफिक हो जाओ कि मैं एक हूँ, मैं वाहदा ला शरीक हूँ, और फिर मैंने ये मखलूकात भी तख्लीक की हैं, फिर मैंने इनकी हदायत के लिए ये कीज भी उतारी हैं कुतुब के सूरत में। जैसे हर एक चीज जब मशीन बनाई जाती है ना, तो उसका एक वो पैटर्न भी साथ दिया जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुतुब के जरिए और रसूलों के जरिए से अल्लाह ताला ने वो पैटर्न दिए हैं कि इन तमाम को आप मानो, किसी एक में फर्क ना करो, ठीक है। वकालू और वो कहते हैं, एक तो वो ईमान लेकर आते हैं सबके ऊपर, ला नफरको बैना अहद मिन रसूल, वो किसी रसूल में फर्क नहीं करते। वकालू और वो कहते हैं, समेना हमने सुना, वो आता और हमने अतात भी की और पैरवी भी कर ली, गुफराना का रब्बाना वैलिकल मसीर, अल्लाह तू हमें बख्श दे, गुफराना का तू हमें बख्श दे, माफ़ कर दे, रब्बाना है हमारे रब, वैलिकल मसीर हमें तेरी तरफ लौट कर आना है, तेरी तरफ रुजू करना है। मैंने कोई शेयर नहीं करनी पीपीटी ग्रुप के अंदर, आपको अभी सब कुछ आना चाहिए, आप कॉन्शियस होके सेंस लेकर चाको चुपंत जो ना वो रोशन करके ना अपने सारे जहान को वो सामने बैठा करें मेरे, ठीक है। अब इसको मेरा मकसद आपको समझाना होता है, ठीक है, रटाना नहीं होता, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु, ला नहीं, युकल्लिफो जो कल्लिफो, इसका असल जो है वो मुकल्लिफ होना है, तकलीफ वाली जो बात है, कल्लाफा काफ लाम फे कल्लिफ, ला युकल्लिफो नहीं तकलीफ देता, नहीं देता तकलीफ बोझ दर्द, ला युकल्लिफो तकलीफ होती ना बाज़ दफ़ा में किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई बीमारी की वजह से
जिसम दर्द में मुबतला हो जाता है, कल मुकल्लिफ हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। ला युकल्लिफो, तकलीफ नहीं देता अल्लाह, अल्लाह तकलीफ नहीं देता नफसन, किसी नफ्स को, ठीक है, नफसन किसी नफ्स को, इल्ला मगर, इल्ला का मतलब है मगर, वो आहा हा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो जमीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है उसका, उसके, उसकी के लिए, वुस आहा वसा, इसका असल है वुस आहा वसा जो इसका लफ्ज़ है, वुस आहा जो है इसका माना है उसकी वुसत, उसकी इस्तेतात, ठीक है, उसकी हैसियत, मेरी इतनी वुसत है भाई, मैं इसे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी इतनी इस्तेतात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, वुस आहा वुसत जो है ना वो इतनी अल्लाह ताला ने जितनी महदूद रखी ना इंसान की, तो इल्ला वुसाहा उसकी वुसत, उस आहा उसकी वुसत, जितनी उसकी वुसत है, ला युकल्लिफो, ला युकल्लिफुल्लाह, अल्लाह तकलीफ नहीं देता नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला वुसाहा मगर जितनी उसकी वुसत है, जितना वो बर्दाश्त कर ले, लहा मा कसबत, इसका मायना दो तरह से होता है, एक तो नीचे आपको बताया दिखाया जा रहा है ना उसका फायदा है जो अच्छा कमाया, माँ का सबत लहा माँ का सबत जो उसने कमाया उसके लिए है, लहा माँ का वह अलैहा मक्ता सबत जो उसने बुराई कमाई, ये दरअसल प्रोवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं ना, इमसाल इस्तेमाल करते हैं, मिसाल मिसालें पंजाबी में बहुत सारी मिसालें मशहूर हैं, उर्दू के बहुत सारी मिसालें मशहूर हैं, मैं अगर कहना चाहूँ तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम दे जाते हैं, तो ये भी एक मिसाल अल्लाह ताला ने एक दी है यहाँ पे बताई, एक प्रोवर्ब के तौर पर ये सेंटेंस आया है, लाहा मा कसबत व अलैहा मा कतसबत, कसबत दोनों में जो है वो असल जो है ना वो कसबा है, कसबा का मतलब है कमाना, को काम करना, लाहा उनके लिए, उनके लिए, ला का मतलब है के लिए, देखें अच्छा मैं पहले इसका तर्जमा करता हूं, लाहा मा कसबत उनके लिए है जो उन्होंने कमाया, जो काम किया, वा अलैहा और उन पर है, अला अला कहते हैं ना अला पर, वा अलैहा अला अला पर, और हा जो ना वो ज़मीर के तौर पर है उन पर है, वा अलैहा यहाँ पे पहली बात हुई है लाहा में उनके लिए, और यहाँ पे बात हुई उन पर, दोनों में फर्क है, लाहा माँ का सबद और उन के लिए है जो उन्होंने कमाया, वा अलैहा और उन पर है मा का सबद जो उन्होंने कमाया, देखें दोनों में फर्क किस तरह से होगा, अभी हम वक्त बहुत कम है, पिछली आयत के जो समझ यहां से नहीं आए, लाहा मा कसबत, हम किसी को कहते हैं ना कि क्यों अच्छा काम करता है तो उसके लिए हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए इनाम है, लिए इनाम है, जो तुमने काम किया ये तुम्हारे लिए नफा है, ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा, तुम्हारे लिए है, अगर कोई बुराई करता है हम उसको कहते हैं यार ये तुमने किया था ये उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये उस पर तुम्हारी गिरफ्त हुई है जो तुमने गलती जो तुमने गुनाह किया था, ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा, और अगर बुराई को करते हैं तो उस पर तुम्हें अजाब दिया है, कुरान का भी यही फार्मूला है, कुरान का भी यही फलसफा है, इंसान को समझाने के लिए इनाम कहा जाता है, तुम्हारे लिए इनाम है, और अगर तुम बुराई करते हो तो तुम पर उसका अजाब होगा, उस पर जो तुमने किया उस पर तुम्हारी गिरफ्त होगी, ठीक है, ये फलसफा आपने समझना है, लाहा मा कसबत, लाहा के लिए, उनके लिए मा कसबत जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो अच्छाइयां की, जो नेकी की वो उनके लिए, वालैहा मक्तसबत और उन जो बुराई उन्होंने की, वालैहा मक्तसबत वो उन पर है जो उन्होंने बुराई की, ठीक है, तो हम अब हम नीचे इसका तर्जमा समझ सकते हैं, जो उसका फायदा है जो अच्छा कमाया उनके लिए उसका फायदा है जो उन्होंने अच्छा कमाया, और उसका नुकसान है उन पर जो उन्होंने बुराई कमाई, ठीक है, लाहा उनके लिए मक्तसबत अच्छाई है फायदा है, मक्तसबत जो उन्होंने अच्छा कमाया, वालीहा मक्तसबत और उन पर है जो उन्होंने बुराई कमाई या गुनाह किया,
रब्बाना, रब का मतलब रब है, ना हमारे, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, ला ना तो आखिज ना, तो आखिज ना का निकाले हैं जल्दी से, बच क्या है मस्तर, तो आखिज ना का मस्तर बताएं, तो आखिज आखिज ना जल्दी से बताएं, ला तो आखिज ना, तो आखिज ना का मस्तर बताएं जल्दी से, आपको आवाज आ रही है, आखिज ना अक्सा नाजीर, शाबाश सना कंवल, अखज आखाजा, अलिफ खे और जा, जे जो है, जाल जो है, आखिजा आखाजा, उखज करना किस चीज को, उखज करना, निकालना, पकड़ना, ये आखा मायना में आते हैं। रब्बा ना, ऐ हमारे रब, ला तो आखिजना, तू जो इन नसीना, जो हमने गुनाह किए हैं उन पर हमारी गिरफ्तार करना, खुश करना, गुनाह पकड़ना, ला तो आखिजना, या अल्लाह हमारा, कहते ना हमें पकड़ना ना हमारा, हमें इस बात पर हमारी पकड़ाई ना करना, रब्बा ना ला तो आखिजना, ना पकड़ना, पकड़ाई करना हमारी, ला तो आखिर, या खताएं की, एक होता गुनाह करना है वो गुनाह करना, नसीना भूल भटके से कोई नसीया गुनाह हो जाना, इन नसीना कि हम ने जानबूझकर तो ऐसे गुनाह ना किए हों, भूल भटके से हो गए हों, नसीना आओ अख्ताना, या अचानक से हो गए हों, या किसी काम को करते करते हम, मतलब नेकी काम करते करते हम रुक गए हो, ऐसी खताएं हो गई हो, जब अपने शिकार को देखे जब निशान लगाता है तो वो बाज दफा जब वो फायर करता है या तीर मार लगाते हैं, वो उस पर वो डर है कि हम ऐसे ना करना, ना इन नसीना, आओ अख्ताना, हमने जो गुनाह ना, रब्बाना ए हमारे रब, वाला और ना तहमिल, हमल इसमें लफ्ज है, तहमिल में असल मस्दर जो है वो है हमल, हमल का मतलब होता है बोझ, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने हमल को बोझ के तौर पर लिया है कि जो खसूसी तौर पर जो उन खवातीन के लिए जो हामिला होती हैं उनके भी अल्लाह ताला ने हमल लिया है कि वो अपने पेटों में बोझ लिए फिरती हैं, उठाए फिरती हैं, उन्होंने जब एक सिफत बयान की है खातून की अल्लाह ताला ने तारीफ के हवाले से उसकी, तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो उसने तुम्हारी माँ ने तुम्हें उठाए रखा तुम्हारे बोझ को 9 महीने तक, ये खास मुकर्रर वक्त तक तुम्हें उठाए रखा उस बोझ को, तो हमल का मतलब है बोझ, बोझ हमल का मतलब है बोझ, वला तहमिल और ना या अल्लाह हम पर, अलैना हम पर बोझ डालना, वला और ना तहमिल अलैना हम पर बोझ डालना, इस रन, ठीक है, जो हमारी बर्दाश्त में न हो, कमा हमलता हो, जो कमा जो हमलता हो, जो हम
बर्दाश्त ना कर सकें, ऐसा बोझ जो हम उठा ना सकें। वाला तहमिल अलैना, यला हम पर वो बोझ ना डालना इस तरह कमा हमलता हो जो हम उठा ना सकें। ठीक है, नहीं नहीं मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। वला तहमिल अलैना, और ना अल्लाह हम पर बोझ डालना इस रन, ठीक है, जो हम उठा ना सके। कमा, जिस तरह हमलता हूँ तूने बोझ डाला। अलल लजीना, उन लोगों पर, मिन काबले ना, जो हमसे पहले थे। हमल का मतलब बोझ है। वला तहमिल, और जानला, वाला और ना तहमिल हम पर बोझ डालना, अलैना हम पर बोझ डालना इस रन जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। ठीक है, कमा जिस तरह हमलता हूँ, जिस तरह तूने बोझ डाला। कमा हमलता हूँ, जिस तरह का अगर पहले आ जाते ना लफ्ज से पहले, तो वो किस तरह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम एज कहते हैं, एज, सच एज, या एज, तो ए एस वाला, तो वो अरबी में काफ जबर कहा कि, तो कमा जिस तरह हमलता हूँ तुमने बोझ डाला, जिस तरह बोझ डाला गया हमलता हूँ। अल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन कबले ना, कबले ना का मतलब हमसे पहले वाले लोगों पर, मिन कबले ना हमसे पहले पहलों पर। रब्बा ना, हमारे अल्लाह, ला तो मिल आला, ला वाला तो हम मिल ना, जब भी हमला बोझ वाली बात हो रही है, वाला रब्बा ना हमारे अल्लाह, वाला और ना तो हम मिल ना, माला अता का ताला ना बे, या अल्लाह तो हम मिल ना, नाम नून अलिफ ना का मतलब है कि हम, बात हो रही है हम पर, हमारे, वाला तो हम मिलना, या अल्लाह हम, हमें वो बोझ ना देना। मा ला, जो ना, ता खाता ला ना बे ही, जिसकी हमें ताकत ना हो, जिस, ठीक है, जो हम उठा ना सके। समझ आ गई, रब्बा ना, वह हमारे रब, वाला तो हम मिलना, हम पर ना डालना बोझ। मा ला, जो, मा ला तो खाता ला, तो खाता, तौकाता, तौकाता, इसमें क्या है, ताकत, जिसमें हमें, हमें माला तौकाता, जिसमें हमारे ताकत लाना, जिस पर हमारी, हमें ताकत ना हो, बेही, जिस पर। रब्बाना वाला तो हम मिलना माला तौकाता लाना बे, या अल्लाह हमारे रब, हमें, हम पर बोझ ना डालना, माला जिसकी हमें ताकत ना हो, ठीक है, बर्दाश्त करने हम पर ताकत ना हो। वाफो अन्ना, वाफो, वाफो का मतलब होता है दरगुजर करना, छोड़ देना, माफ कर देना। अन्ना, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे दरगुजर फरमा, जो कर दिया ये अल्लाह इसको दरगुजर कर दे, छोड़ दे, ठीक है। अन्ना वाग़फिर लाना, और हमें बख्श दे, एक तो ये अल्लाह जो हमने किया है उसे दरगुजर फरमा दे, छोड़ दे, हमें माफ फरमा दे। वाग़फिर लाना, और हमें बख्श दे। वरहमना, बख्शने के बाद फिर आइंदा जरिए हम पर रहम फरमा। वरहमना, और हम पर रहम फरमा, छोड़ दे, दरगुजर फरमा, और हमें बख्श दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता, अंता तू, मौलाना हमारे अल्लाह। फंसुरना, तू हमारा अल्लाह है, मौलाना या अल्लाह तू हमारा मौला है, तू ही हमारा रब है, अल्लाह है। अंता मौलाना, तुम्हारा अल्लाह है। फंसुरना, बस हमें, फंसुरना नासारा, इसके अंदर मस्तर है, नासारा का मतलब है फतह, फतह, तो फंसुरना अल्लाह हमें फतह दे। अलल कौमिल काफिरीन, हमें काफिर लोगों पर फतह और नुसरत अता फरमा, हमें हमारी नासारा मदद करना में भी आता है, मदद करना, तो अल्लाह हमारी जो है वो मदद जो है वो दे। अलल कौमिल काफिरीन, काफिर लोगों पर हमें, हमारी मदद कर, हम काफिरों पर हमें मदद दे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह तकलीफ नहीं देता किसी नफ्स को, इल्ला वुसहा, मगर उसकी वसत के मुताबिक, जितनी उसकी वसत हो। लहा मा कसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया। व अलैहा मा कसबत, उस पर है जो उसने कमाया, उसके लिए इनाम है जो उसने अच्छा कमाया। व अलैहा मा कसबत, और उसके लिए बुराई है जो उसने कमाया, बुरा कमाया। रब्बना हमारे रब, ला तो आखिजना, ना हमसे मुआखजा करना। इन नाखिज, इन नसीना, उन खताओं पर, उन गुनाहों पर, उन गलतियों पर, इन नसीना, उन गलतियों पर, ओ अख्ताना, और खताओं पर,
ठीक है, और या गलतियों पर या खताओं जो हमने की उन पर, बना ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना इसरन, या अल्लाह हम पर ना डालना बोझ जिसको हम सहार ना सकें, कमा हमलता हो जिस तरह तुमने बोझ डाला, अल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कबले ना जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, रब्बा ना हमारे रब, वाला तो हम मिलना और ना बोझ डालना, माला तो कातलाना बे, और अल्लाह बोझ ना डालना जिसकी हमें ताकत ही ना हो, जिसको सहारने की बर्दाश्त करने की हमें ताकत ना हो, वाफो अन्ना और हमें माफ़ कर देना, वक़ फिर लना हमें बख्श देना, बर हमना और हम पर रहम करना, रहम फरमाना, अंता मौलाना तू हमारा मौला है, फन सुरना बस हमें मदद अता कर, अलल कौमिल काफरीन काफिर लोगों पर। जी अब जल्दी से आते हैं तशरी नकाहात पर, ज़मीन व आसमान की बादशाही लिखें ये जल्दी से, ज़मीन व आसमान की बादशाही, फिर हम इसकी दो चार मिनट में इसको रिपीट करता हूँ मैं साथ साथ। ज़मीन व आसमान की बादशाही, ज़ाहिर व बातन का मुहासिबा, दूसरा है ज़ाहिर व बातन का मुहासिबा, तीसरा है ईमान के अज्ज़ा, तीसरा पॉइंट है इसमें ईमान के अज्ज़ा, चौथा पॉइंट है रसूलों के दरमियान फर्क करना, पांचवा है अल्लाह किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, अल्लाह किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, छठा है अल्लाह से दुआएं और उनकी अहमियत, अल्लाह से दुआएं और उनकी अहमियत, जी पहले जो हेडिंग मैंने बताई है ज़मीन व आसमान की बादशाही, हम अगर देखें लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए जो आसमान और ज़मीन में है, ये पहले जो आयत हमने देखी है उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो इस आयत की तफसीर में, इस हेडिंग की तफसीर में आप लिखते जाएंगे लिखेंगे, ज़ाहिर व बातन का मुहासबा, आइन तो बदू मा फी अनफुसिकुम, वाइन तो बदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू हो, ये बात हमने की थी, कितनी इसके ऊपर बहस की थी, ये सारी चीज़ें बातें आप इसमें लिखेंगे, ज़ाहिर बातन का मुहासबा, तुम वाइन और अगर तुम ज़ाहिर करो, वाइन तो बदू बदा तुम ज़ाहिर करो, फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे जहनों में है, औ तुख्फू हो या तुम उनको छुपाओ, जाहिर और बातन का मुहासबा, अन युहासिबकुम बिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेगा इस पर, अन युहासिबकुम बिल्लाह, ये वही आयत का जो बाकी हिस्सा है वो इसमें आएगा, जाहिर बातन का मुहासबा, उसके बाद ईमान के अज्ज़ा इसमें बताया गया है, वो जो दूसरी आयत हमने देखी थी उसमें हमने पढ़ा था, अमना रसूलो कुल्लुना अमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही, ये सारे ईमान के अज्ज़ा इसमें बताए गए हैं, एक एक अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं, अल्लाह पर ईमान लाना क्या है, फिर रसूलों पर मलाइका पर ईमान लाना, मलाइका कितने हैं, ठीक है वो चार पाँच जो मलाइका हैं उनकी क्या क्या ड्यूटियाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना कि वो अल्लाह ताला के जो वही है उसके नबियों पर पहुँचाते हैं, पहुँचाए उन्होंने, और इसराफील सूर फूंकने वाले हैं, इसराइल मौत का फरिश्ता है, इस तरह से रिज़्क़ के फरिश्ते हैं, फिर वो करामन कातबीन हैं कि हमारे जो कंधों पर बैठे हैं हमारा हिसाब किताब लिख रहे हैं, जो एक हमारा नेकी लिख रहा है एक हमारा बुराई लिख रहा है, और फिर मुनकर नकीरैन जो है वो फरिश्ते हैं, वो कब्र में हमारे पास जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में हमारा हिसाब लेने के लिए वहाँ पर हाजिर होंगे, तो वो मुनकर नकीरैन है, इस तरह से बारिश का फरिश्ता है, रिजक बरसाने वाला फरिश्ता है, इस तरह से बहुत ये चीज़ें आप कितना कुछ आप ले सकते हैं ईमान के अज्ज़ा के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारी बातें आप इसमें ले सकते हैं,
अंबियाए कराम की जब बातें हैं तो फिर किस किस बनी इसराइल पे कौन कौन से अंबियाए कराम आए, आप उनके नाम वगैरह लिख दीजिएगा। फिर आखिरी नबी जो थे उन पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप थोड़ा को लिख लीजिएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होते हैं, इनकी आने का मकसद क्या होता है ये भी आप इसमें लिखिएगा, नबी का आने का जो मकसद होता है वो क्या है। फिर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, उनकी सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। इस तरह से फिर रसूलों के दरमियान फ़र्क करना, इसमें मैंने आपको बात बता दी है कितनी, अल्लाह किसी पर ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। ये भी कि हमारे ऊपर अगर कोई आजमाइश आती है, हमारे ऊपर कोई अगर अजाब भी आता है, तो अल्लाह ताला हमारी ताकत से ज़्यादा हमें वो नहीं देता। अगर कोई अजाब आता है तो वो क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारे अपने ही किए तुम्हारे ऊपर आ गए हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो बुराई बदकारी करती थी मर्दों के साथ, तो अल्लाह ताला ने ऊपर 5 तरह के अजाब उन पर नाजर किए। जो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी वजह से नहीं है, मैं तो तुम पर करना नहीं चाहता, कहार जब्बार मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ये जाहिर करना ही नहीं चाहता अपनी जब्बारियत अपनी कहारियत, मैं तो तुम्हारी वजह से ज्यादा बोझ नहीं, ये तुम पर जो आता है तुम्हारे अपने बदकारियों की वजह से आता है। नूह अलैहिस्सलाम ने शिर्क किया तो अल्लाह ताला ने कहा नूह अलैहिस्सलाम को कि तुम कश्ती बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर बिठाओ, अब बुला लो जो तुम्हारे साथ चलना चाहे। तो लोगों कुछ लोग आ गए, बाकी अल्लाह ताला ने सैलाब आया, पानी आया और सब कुछ बह गया, सबको खत्म कर दिया दुनिया से, उसको उस कौम को। फिर कुछ कौमों पर आंधी आई, ठीक है, ये सारे तो ये मतलब ये इंसान के अपने किए हुए उसके अपनी बुराइयों की वजह से उनके ऊपर अजाब आते रहे हैं, ठीक है। आजकल जो कोरोना की जो बात हो रही है तो ये सारे इंसान के अपने किए, सब कहते हैं कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है ये है वायरस, तो इस दुनिया को खुद ही तबाह इंसान कर रहा है, खुद ही बनाकर खुद ही इसकी ज़ात में आता जा रहा है। तो ये अल्लाह तो इंसान पर ज़्यादा उसी वसत से अल्लाह ताला रहमान है रहीम है, वो तो करीम है, वो नहीं करता, ठीक है। अगला पॉइंट है अल्लाह से दुआएं और उनकी अहमियत, अल्लाह से दुआ करने का क्या है कि इसमें जितनी दुआएं आखिरी आप ये देखें इसमें दुआएं लिखी गई हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना कि हम पर बोझ ना डाल जिस तरह तूने पहले लोगों पर बोझ डाला, ठीक है, और रब्बाना वला तहमिल अलैना ऐसा बोझ जो जिसकी हम ताकत ही नहीं रखते, हम उठा ही नहीं सकते, या अल्लाह ऐसा बोझ ऐसी परेशानी ऐसी मुसीबत हम पर ना डालना जिसको हम बर्दाश्त ही ना कर सकें, ठीक है। वाफ़ अन्ना और हमें बख्श हमें माफ़ कर दे, हम दर गुजर फरमा, वाफ़ फिर ना ला और हमें बख्श दे, वरहम ना हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना तू ही तो हमारा रब है, अल्लाह हम किसके पास जाएँ, फन सुरना है और हमें ताकत हमारी मदद हमें मदद दे इन तमाम बुराइयों के ये वजह के ऊपर हम काबज़ आ जाए, हम इनके ऊपर कब्जा कर लें तमाम बुराइयों के ऊपर, ये उनको हम जेर करते निस्त नबूद करके रखते हैं, जिसके अल कौमिल काफिरें जितने भी ये कुफर वाली बातें हैं जितने भी हमें ऐसे लोग जो हमें बुराई की तरफ बुलाते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा हमें इनके ऊपर फतह नुसरत कर लें हासिल कर लें, ठीक है। ये आगे जो बात हो रही है आखिरी पॉइंट है कि अल्लाह से दुआएं और उनकी अहमियत, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, आप खुद भी बनाए और जो नोट्स आप बनाए तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी। तो मेरे लिए आपने खास दुआ करनी है, आपको मैंने कहा था मेरा जो हार्ड डिस्क का मसला हुआ है अल्लाह ताला वो रिकवर कर दे मेरा सारा डेटा, मेरा पीएचडी का थीसिस है मैंने कहीं सेफ नहीं किया हुआ, बड़ी परेशानी है। तो नमाज में और सहरी और अफ्तार में अल्लाह ताला से रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह आजमाई से मुझे बचाना, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और किसी तरीके से वो मसला जो ना वो हल हो जाए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप को सेफ रखें और वालदैन की बहुत ज़्यादा ताबेदारी करें, उनकी खिदमत करें। और हजरत हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मैं आखिरी एक हदीस बताकर और बयान को ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ बड़े खुशी के साथ अपने वालदैन को चेहरे को देखा, वालदैन को के चेहरे को देखा या किसी एक के चेहरे को देखा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता, अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब देता है, और हज एक वो इबादत है कि जो कर लेता है उसके लिए जन्नत की बिशारत भी है। तो ये जन्नत का चीज़ तो ये जन्नत है, आपके घर में आप मौजूद हैं उनके साथ,
रहते हैं, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए और उनसे ज्यादा काम करवाने के बजाय उनके साथ मदद करें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अलल कौमिल काफिरीन, उन काफिरों को जेर करने में जो आपके ऊपर मुश्किलात आनी है उनको जेर करने में अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये बात एक हदायत का जरिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ठीक है, ये फिर हम किसी दिन अगर हुआ तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। तो पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप ज़रा तवज्जो रखिया करें इसके ऊपर जो मैं आपको समझाता हूँ पढ़ाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।